स्टार्ट करूँ ना। नमस्कार, मैं दीपक बोल रहा हूँ मार्गदर्शन टीम से। आप मार्गदर्शन टीम की तरफ से आप लोगों का मैं स्वागत करता हूँ। आप लोग जब यहाँ एकत्रित हुए हैं, आज कुछ स्पेशल होने वाला है और इस स्पेशल पे हम कुछ टॉपिक पे बात करेंगे जिसका टॉपिक का नाम है करियर गाइडेंस। ये करियर गाइडेंस क्या है और करियर गाइडेंस के बारे में हम चर्चा करेंगे आज, जो कि आज हमारे परिवार में हमारे बीच में बहुत बड़ी ये समस्या हो रही है कि बच्चे कुछ और करना चाहते हैं तो पेरेंट्स कुछ और कराना चाहते हैं। तो आज हम इस पे चर्चा करेंगे, जो कि आज हमारे संग लोकमान जी और श्री सत्या जी, ये दोनों लोग लोग करियर गाइडेंस पे बड़े स्पीच लेवल के ट्रेनर हैं, जो कि आपको समझाएंगे कि कैसे करियर गाइडेंस को हमें करना है। तो उसके लिए मैं उनको बुलाता हूँ। बाकी मैं आपसे एक बार पूछना चाहता हूँ कि इसमें जो स्टूडेंट हैं वो मुझे कमेंट बॉक्स में यस लिखें और जो पेरेंट्स हैं वो पी लिखें, कि उनसे 2 मिनट बात हो सके मेरी। तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में यस और पी लिखें। जो स्टूडेंट है वो यस लिखें और जो पेरेंट्स है वो पी लिखें। टोटल अब तक 16 पार्टिसिपेंट है, 16 मेंबर हैं। आप 16 में से अभी एक भी यस आ रहा है जी, आ रहे हैं, आ रहे कमेंट्स आ रहे हैं। अजय जी हैं जो पेरेंट्स हैं, आशीष जी हैं जो वो भी पेरेंट्स हैं, सोनाली जोशी जी वो भी पेरेंट्स हैं, अमित अजमेर आई एम काउंसलर वो भी काउंसलर हैं, स्टूडेंट हैं शिवा कृषि। तो मैं आप लोगों का स्वागत करता हूँ मार्गदर्शन टीम की तरफ से। तो मैं आशा करता हूँ आज का सेक्शन बहुत खास और बहुत अच्छा होने वाला है, कि हमें कुछ जानकारी मिलेगी, हमें कुछ नॉलेज ही मिलेगा कि हमें पेरेंट्स और हमारे पेरेंट्स के बीच में कैसे हमें रहना है और कैसे हमें अपने करियर को चूज करना है। तो मैं लोकमान सर को स्वागत करते हैं। लोकमान सर हमारे करियर गाइडेंस के सबसे टॉप 10 में नंबर 1 पे कोच आते हैं और कई राज्यों में जाके वो 80,000 बच्चों को उन्होंने करियर गाइडेंस की तरफ शिक्षा दी है, दिशा दी है कि आप ये करें आप वो करें, उन्होंने सजेस्ट किया है, जो कि मैं उनको बुलाना चाहता हूँ कि लोकमान सर आए आपके सामने। प्लीज लोकमान सर जी, प्लीज आप आइए। धन्यवाद दीपक, धन्यवाद। मैं पहले से इधर ही हूँ धन्यवाद सर। और मेरा ये रूप देख के ना लोग जी कई जी महीनों से देख रहे हैं, जी जी सर तो अब तो हमारा और हमारे इन श्रोतागणों का साथ, चोली दामन का साथ है। पर जी सर आज आपने जिस तरीके से इंट्रोडक्शन दिया है और जी आपने जो कैमरा फेस किया है, जी सर बच्चे ने आज पहली बार कैमरा फेस किया है और कितने बेहतरीन ढंग से इसने आपको अपनी बात रखी है। पहली बार में अगर कोई इतनी बेबाकी से आपको अपनी बात रख दे तो ये उसके किसी गुरु की प्रशंसा का पात्र है, और वो गुरु इनके सत्या हैं, और सत्या इन बच्चों को आगे लेके आ रहे हैं। और इस बच्चे को भी उन्होंने आज ये मौका दिया है कि वो इस प्लेटफॉर्म पर आप लोगों से रूबरू हो। और ये आज 5 मिनट इस बच्चे को अभी थोड़ी देर पहले बताया गया कि आपको इस प्लेटफॉर्म पर आकर बोलना है। आप सोच सकते होंगे कि जिसने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया और उसकी हालत कैसी होगी, पर उस बच्चे ने हिम्मत से काम लिया और आज आपके सामने 5 मिनट बोला। मैं दाद देता हूं बच्चे, आप जिंदगी में बहुत आगे जाओगे दीपक, और ऐसे ही आगे बढ़ते रहो। सत्या का पल्ला पकड़ो, ये आपको कहीं ऊपर ले जाके छोड़ेगा। और मैं एक चीज और बताना चाहता हूँ इस ग्रुप के माध्यम या आप लोगों के माध्यम से, कि मेरा भी करियर चूज करने वाले लोकमान सर ही हैं जिन्होंने मुझे इस गाइडेंस की तरफ मुझे दिशा दी है और सत्या सर ने सहारा देके मुझे इस लेवल तक उठाया है। तो मैं आपको भी हेल्प सजेस्ट करूंगा कि देखो, जब मुझ जैसा मैं यहाँ आके खड़ा हो सकता हूँ तो सर आप लोग मुझसे भी अच्छे होंगे, बहुत बेटर होंगे। तो प्लीज मैं आपको यही कहूंगा लोकमान सर के लिए एक बार आप यस लिख दीजिए, कि दिल से मैं भी कहता हूँ कि यस लिख दीजिए लोकमान सर के लिए और सत्या सर थैंक के यू लिए लिख दीपक, दीजिए। मैं आप लोगों से थैंक यू कहता हूँ। थैंक यू दीपक, बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चे आपकी आवाज में जो बेबाकी है वो आपको बहुत आगे ले जाएगी, और आपने यहाँ आने के बाद हम दोनों को मस्का भी लगा दिया, ये भी अच्छी बात है। चलो ग्रेट, वाह,
नहीं सर, मैं दिल से कह रहा हूँ ये बात, मस्के वाली बात नहीं है, दिल से ही कह रहा हूँ अपने। चलो बहुत अच्छी बात है जी, तो हो नहीं कि सीना फाड़ के आप लोगों की फोटो दिखाऊं, पर आप हमारे हनुमान हो। थैंक यू दीपक, थैंक यू। दोस्तों हम लोग अभी रूम में 15 हैं और हमारी एक रवायत है कि हम 21 लोग शुरू होते हैं तो हम शुरू करते हैं अपना सेशन। मैं तब तक आपसे ये चाहूंगा कि आप लोग इस सेशन से क्या उम्मीद रखते हैं। आप काउंसलर हैं, आप टीचर हैं, आप अभिभावक हैं, गार्जियन हैं, पेरेंट्स हैं या स्टूडेंट हैं, आप क्या समझते हैं, क्या एक्सपेक्टेशन लेकर आज सेशन में आए हैं? अगर आप मुझे लिखकर बताएंगे तो मुझे ये अंदाजा होगा कि मैं आज की इस सभा को किस तरफ किस तरीके से लेके चलूं। धन्यवाद, मैं उम्मीद करूंगा कि आप ये लिखें। और सामने सत्या, नमस्कारम सर। नमस्कारम सत्या, नमस्कारम। आपके सामने जो कमेंट आ रहे हैं प्लीज मुझे पढ़ के बताएं। हाँ, कि लोगों की क्या अपेक्षाएं हैं। आप सबसे अनुरोध है कि ये सेशन बहुत इंटरैक्टिव रहेगा। हम माफी चाहते हैं कि कमेंट सेशन सबको नहीं दिख पाएगा क्योंकि कुछ दिनों से कुछ तत्व ऐसे हैं जो कमेंट में हमें थोड़ा परेशान कर रहे हैं, इसलिए कमेंट सेशन हमें विजुअल होगा। साकेत सावंती हैं जो पेरेंट भी हैं, काउंसलर काउंसलर बनना है सर, बहुत बढ़िया। वो काउंसलर बनना चाहते हैं। आशीष शर्मा जी हैं, वो अपनी नॉलेज अपडेट करना चाहते हैं। रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू प्लीज टाइप इन द कमेंट सेक्शन, आप लोग अपने कमेंट सेक्शन टाइप कीजिए प्लीज। यस, सभी लोग प्लीज टाइप करें कि आज आप जुड़े हैं एक बहुत ही एक इंफॉर्मेटिव सेशन में है कि भाई करियर चूज कैसे करना बच्चों का। अब हम होते कौन है करियर चूज करने वाले? हम कोई नहीं है, हम केवल उनकी मदद करने वाले हैं, उनको हेल्प करने वाले हैं कि चूज करियर करना कैसे, क्या मेथड है, क्या 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 पैरामीटर हैं। बहुत चलिए, आशुतोष जी हैं पेरेंटिंग कोच हैं, प्रभु जी हैं सेल्फ कोऑर्डिनेटर, बहुत बढ़िया सर। ठीक है, तो आप सब लोग अपना इतना कीमती वक्त निकाल के आ जाए हैं, तो आज हम शुरुआत ऐसे करते हैं सबसे, पेरेंट्स इसमें ज्यादा हैं, आप लोग में से कोई भी 3 पोर्टल मुझे बताएं जो करियर गाइडेंस की इंफॉर्मेशन देते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। 3 ऐसी वेबसाइट बताएं जो करियर गाइडेंस की इंफॉर्मेशन देती हैं, 3 वेबसाइट्स। ये सवाल थोड़ा आपको शायद अटपटा लगे, पर इस सवाल के पीछे एक बहुत बड़ी गहराई है। आप सब लोग बस 17 लोग हो चुके हैं, जब आप 21 हो जाएंगे। नहीं, आशीष डाल लिखा बायजू मेडिटेशन, नहीं ये सवाल गलत है सर, ये आंसर गलत है, इसमें कोई करियर गाइडेंस नहीं देता, नो आइडिया। चलिए, सभी लोग से पूछूंगा कि कोई भी 3 वेबसाइट मुझे चाहिए जो करियर गाइडेंस देती है इंडिया में या अब्रॉड में, इस खासकर इंडिया में। यस, एक ने कैंपस टू स्कूल, एक के लिए बताइए, और बताइए प्लीज, सभी से रिक्वेस्ट है कि मुझे 3 वेबसाइट बताइए या 3 ऐसे यूट्यूब चैनल बनाइए जो करियर गाइडेंस की मुझे, केवल करियर गाइडेंस और कुछ नहीं इसके अलावा। आप सबसे अनुरोध है, प्लीज आप सबसे रिक्वेस्ट, नहीं प्लेसमेंट शेल की बात, मैं कंपनीज की बात कर रहा हूँ जो करियर गाइडेंस देती हैं। आप सबसे अनुरोध है प्लीज, ये सब ग्रुप में डाल दे। टैलेंट्स नहीं, टैलेंट सर्च नहीं, एग्जैक्ट मुझे वेबसाइट का नंबर दीजिए सर, एग्जैक्ट वेबसाइट का नाम बताइए। ज्ञान विल है एक, नहीं हाँ एक जिन एक नंबर बताया, ज्ञान विल बताया है। ठीक है, मैं आपसे इसलिए माफी चाहता हूँ कि मैंने इसलिए अब एनसीईआरटी भी नहीं, करियर गाइडेंस नहीं, मैंने केवल आप इसलिए सवाल पूछा। हम लोग कहते हैं कि बच्चों, जब बच्चे 9th में आते हैं, 10th में आते हैं और ये चुभन से होने लगती है, बच्चे कराएं क्या बच्चों को, कौन सी इंफॉर्मेशन है, कौन सी जानकारी है, और पेरेंट्स मैंने अक्सर देखा है लिटरली फ्रस्ट्रेट होते हुए कि क्या कराएं। और जैसे ही बच्चा 10th का एग्जाम देते हैं, आप यकीन नहीं करोगे, जो पढ़े लिखे माता पिता हैं, जो अवेयर हैं बच्चों को लेके, उनके चक्कर करियर काउंसलर के पास लगने लगते हैं। बुरा ही नहीं है, बुरा नहीं है करियर काउंसलर के पास जाओ, बट उससे पहले ये बहुत जरूरी है कि आपके पास कितनी अवेयरनेस है। लेकिन हम सब में, सभी लोग, आप लोग यूट्यूब देखते होंगे, टिकटॉक भी देखते होंगे,
पर कभी आपने गौर किया कि अपनी नॉलेज को अपडेट करने के लिए, मैं अपना एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ अपने लाइफ का। मैं, मेरे फादर इंडियन आर्मी में थे, तो आपको पता है आर्मी में सराउंडिंग जो नॉलेज अपडेट करने की जरूरत, समय नहीं मिलता जवानों को। तो मैं एक बार हमारे रेजिमेंट के कर्नल साहब के घर पे गया, उनका बच्चा 8वीं क्लास में था, यानी अभी 6वीं क्लास में है। तो मैंने कहा तुम क्या करना चाहते हो? उसने कहा मैं IIT में जाना चाहता हूँ। उस समय मैं 11th में था, मुझे ये तक नहीं पता था IIT होते कितने हैं, पहली बात। और उसने बताया मैं एक स्पेसिफिक IIT में जाना चाहता हूँ और मुझे इतनी रैंक लानी है, 6वीं क्लास का बच्चा। तो उस समय मुझे रियलाइज हुआ कि यार मुझे तो कुछ पता ही नहीं है, और न मुझे बताया गया, न मेरे पास कोई किताबें थी ऐसी। तो आप सबसे एक अनुरोध है, तो देखिए जब माता पिता ने उसके बारे में बताया, इन्फॉर्मेशन दी, तभी उसको पता है। तो हम माता पिता का पहला एक कर्तव्य ये है कि हम अपनी नॉलेज को पहले अपडेट करें, हम अपनी नॉलेज को अपडेट करें और करियर काउंसलर के भरोसे न रहें। आप यकीन नहीं करोगे बहुत करियर काउंसलर हैं जो अपने आप को दावा करते हैं, पर आपको बता देंगे कौन सा करियर चूज करना है, पर कई बार उस करियर की गहराई डेप्थ को नहीं पता उनको, वो वाकई उस करियर में होता क्या है। मैं आपको कड़ी सच्चाई बता रहा हूँ। तो ये चीज का ध्यान रखने कि करियर में आपको उतरना है, जानकारी रखनी है, उसकी सबसे इजी तरीका ये है कि जैसे ही बच्चा 9th में आए, आप 50 एक्सपर्ट्स उसको मिलाइए। वो कहता है पापा मुझे CA बनना। अच्छा ठीक है, एक काम कर, CA से मिलने चलते हैं। नेट में निकाला, CA से अपॉइंटमेंट लिया। तो ये आप लिख लीजिए अपनी डायरी में कि जैसे बच्चा 12वीं करे, उससे पहले 50 अलग अलग एक्सपर्ट के लोगों से उसको आपको मिलाना है। न मिले उस कॉलेज में लेके जाओ, आप सब सिटीज में हो तो सिटीज में हर एक कॉलेज होते हैं, वहां जाइए, तब उसका दायरा बढ़े। बच्चे फैसिनेशन होता, मुझे चाहो मर्चेंट नेवी जाननी है, वहां जाऊंगा। अब मर्चेंट नेवी से कभी मिला नहीं होगा कि उसकी लाइफ कैसी होती है, कि लाइफ उसकी मतलब लिटरली कई बार संबंध खराब जाते हैं क्योंकि हस्बैंड हमेशा बाहर रहता है, कभी शिप पे 10 साल 12 साल। तो उसके नेगेटिव पॉइंट क्या है, प्रो ये गूगल में नहीं मिलेंगे आपको, ये फेसबुक पे नहीं मिलेंगे आपको, ऑनलाइन नहीं मिलेंगे, ये तब मिलेंगे जब ऐसे व्यक्तियों से इंटरेक्शन कराएंगे। और क्या 50 लोगों से मिलाना 4 साल में कठिन है? अगर 4 साल में 50 लोगों से मिलाना आसान है तो टाइप यस इन द कमेंट सेक्शन। और आप में से कितने लोग ये वादा करते हैं कि 12वीं पढ़ने से पहले मैं अपने बच्चे को 50 ऐसे एक्सपर्ट से मिलाऊंगा जो आपके रिश्तेदार ना हो? क्योंकि रिश्तेदार में अक्सर देखा कई बार वो ऊपरी भला चाहते हैं, अंदर का भला नहीं चाहते। तो उनसे मिलाएं जो आपको उनका प्री अजम्पशन ना हो, जो आपको जानते ना हो। तो कितने लोग माता पिता ये वादा करते हैं कि यस सत्या मैं ऐसे 50 एक्सपर्ट्स उसको मिलाऊंगा 12वीं से पहले। सभी लोग, अभी लोग हम 23 लोग इस सेशन में हैं, मैं सबसे अनुरोध चाहता हूं कि हमारी जनसंख्या में बहुत बड़ा सेक्शन ऐसा बच्चों को जो डिप्रेशन में है, बहुत बच्चे सुसाइड कर लेते हैं। हर बच्चा यूनिक है, हर बच्चे का DNA ले गए आप, अगर उसको तराशोगे साहब आप हर एक बच्चा हीरा है मेरे हिसाब से। कोई बच्चा मैं आप यकीन नहीं करोगे, मैं क्लास 12th में शायद 5-6 बार फेल हुआ, मुझे तो टीचर्स ने टैग दे दिया था। टीचर्स कौन से थे? केंद्रीय विद्यालय बेगमपेट, उस प्रिंसिपल को ऑल इंडिया के बेस्ट प्रिंसिपल का अवार्ड मिला था केंद्रीय विद्यालय में। वो मुझे बोला जाता है कि तुम जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे, कई चीजों के लिटरली कहा तुम तो हल चलाओगे, जबकि मैं कमजोर स्टूडेंट नहीं था, जो था ना नहीं, मैं स्कूल ड्रॉप आउट था, बट आई वॉज बेस्ट इन स्टडीज, मैं बहुत पढ़ता था। मैंने जानबूझ के पढ़ाई छोड़ दी, मुझे ऐसी पढ़ाई नहीं चाहिए जो जॉब ओरिएंटेड ना हो, जिसमें स्किल ऐड ना हो। और वो एक जिद रही, पापा ने कहा पढ़ ले बेटा, ये कर ले वो कर ले, मैंने अवॉइड किया पढ़ना। मैं कहा नहीं मुझे पढ़ना ही नहीं है, मैं बिना पढ़े अपना करियर बना के दिखाऊंगा। तो मेरी जिद का मैंने कीमत चुकाई भाई, बहुत साल मुझे अपने स्ट्रगल करने पड़े। तो ये बहुत जरूरी है आपके लिए कि अपनी नॉलेज को अपडेट करें और बच्चों को मिलाएं। दूसरी चीज एक ध्यान रखना जो हर पेरेंट को करनी है कि करियर गाइडेंस की इंडिया में एक ही मैगजीन आती है, दैट इज करियर्स 360 पे आप जाओगे, वो हर महीने की मैगजीन निकालता है। तो जैसे मैं हैदराबाद में गया था तो मैंने क्लास 11 से वो मैगजीन सब्सक्राइब की, और मैगजीन सब्सक्राइब करने के बाद प्रिंसिपल के पास गया, सर ये मैगजीन है जो आपके स्कूल में आनी चाहिए, ये मैगजीन हर एक माता पिता, ये मैं ना मेरा कंपनी से कुछ टाइप है बट वो मैगजीन ऐसी है, मंथली में 40-50 रुपए मेरे हिसाब से ज्यादा नहीं होते। जैसे बच्चा 9th में आओ वो इंटरव्यूज देते हैं, एक ही भारत की एकमात्र करियर की मैगजीन है, हिंदी में भी अंग्रेजी में, वो मैगजीन मंगाइए। बहुत जरूरी है कि आप अपनी नॉलेज के साथ साथ अपने बच्चे की नॉलेज अपडेट करें, नहीं तो बच्चा करियर का चुनाव कहाँ से करता है? अपने पीयर ग्रुप से,
अच्छा वो ये कर रहे हैं रिश्तेदारों से, अरे यार वो उनके पास इतना पैसा है, वो आर्मी में है, ये वो 50 चीजें। तो आज बच्चा अपने से नहीं, वो फैसिनेशन में करता है। फिर बहुत बहुत समझदार होंगे वो अंदर आएंगे, भाई मैं इस काबिल हूं। तो ध्यान रखना, तो फैसिनेशन की तरफ ना जाए, फैक्ट्स की तरफ जाए। वो तभी होगा जब आप अपने खुद को अपडेट करोगे। ये बहुत जरूरी है कि अपडेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप खाली समय है, बहुत सारे फेसबुक ग्रुप्स हैं जो स्टडी अब्रॉड के हैं, बहुत सारे फेसबुक ग्रुप है जो इंजीनियरिंग के हैं, उसमें डिस्कशन होती है। तो ये चीज आपके लिए करना बेहद आवश्यक है, क्योंकि जब कॉलेज चूज करोगे, बड़ी बड़ी कंपनीज में रैंकिंग दी जाती है, टाइम्स टाइम्स नाउ का आता है, इंडिया टुडे का आता है, ये कॉलेज ये टॉप है, वो सच नहीं होता कि वह बैकएंड में पैसे खिलाए जाते हैं ताकि उनके कंपनी उनका कॉलेज टॉप पे आए। तो उस कॉलेज में जहाँ बच्चा चुनने, जहाँ बच्चा जाए, क्योंकि 4 साल आपको बच्चे देने, अगर बीटेक कराओगे 3 साल देने या बीएससी कराओगे, 5-6 साल देने आपको एमबीबीएस कराओगे, तो उस कॉलेज की एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन होना बहुत जरूरी है, जो नेट में एग्जैक्ट नहीं मिलती। तब उसमें काम आता, आपका प्रीवियस नॉलेज बहुत काम आती है। तो मेक श्योर, आप सब पेरेंट्स से मैं वादा चाहता हूँ कि पहली बात अपनी नॉलेज को अपडेट करोगे। और बहुत सारे करियर के पोर्टल्स हैं, करियर कैफे इतना बढ़िया लोकसभा टीवी का प्रोग्राम है, जैसे प्रवीण मल्होत्रा जी आती हैं, ऐसे अंतरराष्ट्रीय 5-6 आपके यूट्यूब चैनल है, फ्रेशर वर्ल्ड इंडिया का 1 मिलियन क्रॉस कर चुका है। तो मेक श्योर आप एज ए पेरेंट की पहले जिम्मेदारी है अपने बच्चों को गाइड करने के लिए, पहले अपना स्तर बढ़ाएं, अपनी करियर अवेयरनेस को बढ़ाएं। हो सकता है बच्चा आपका 5वीं में हो, सकता है 6वीं में हो, अभी से करोगे तो आपको पता चलेगा ये करियर यहाँ जा रहा है। मैं मानता हूँ कि करियर में बहुत पेरेंट्स के लिए पैसा इंपॉर्टेंस रखता है, यस वो होना चाहिए, पर पैसे के साथ साथ आपके बच्चे में क्या वो स्किल सेट है, क्या वो हुनर है कि उससे मर्ज कर सके, उसको उसमें काम ले सके, तो ये बेहद जरूरी है। जैसे मैं एक व्यक्ति से मिला तो पर्ल फार्मिंग करता था, मैंने कहा कितना कमा लेता, 22 लाख साल का कमा लेता हूँ। मैंने कहा 22 लाख, मैंने कितनी जमीन आपको, कहा सर 5 बीघा बस। तो कहता है कि मुझे सर आज से 3-4 साल पहले कुछ पता नहीं था, मैं एक जगह यूट्यूब पे वीडियो देखा कि पर्ल फार्मिंग से एक महाराष्ट्र में 8 लाख रुपए साल का मारा है, बस मैंने काम करना चालू कर दिया और पर्ल फार्मिंग को ही मैंने अपना धंधा बना दिया। मैंने कहा पढ़े लिखे कितने, कहा सर 5वीं फेल है सर। तो ध्यान रखना, इट इज नॉट इम्पोर्टेंट हाउ मच लिटरली एजुकेटेड यू, हाउ मच डिग्रीज यू हैव। मैं डिग्रीज को कहूंगा, एजुकेशन का डिग्री से कोई मतलब नहीं है। एजुकेशन स्पिरिचुअल एजुकेशन है, मोरल एजुकेशन है, पॉलिटिकल एजुकेशन है, ठीक है ना, कल्चर एजुकेशन है। आप एजुकेशन शुरू से लेकर लाइफ तक, तो एक बंदा बिना डिग्री के भी पढ़ा लिखा हो सकता है, ठीक है। तो पढ़ाई लिखाई का संबंध डिग्री से मेरे हिसाब से है ही नहीं। डिग्री एक आयाम है जो आपकी पढ़ाई लिखाई में एड करता है। तो वो व्यक्ति बिना डिग्री होल्डर, मैं उसको अनपढ़ नहीं कहूंगा, लोग कहते हैं अनपढ़ नहीं, अनपढ़ नहीं है वो, बिना डिग्री होल्डर लगभग 22 लाख रुपए सालाना निकाल सकता है पर्ल फार्मिंग से। तो जब मैंने पता लगा तो मैं स्कूल में बताने लगा, बच्चों पर्ल फार्मिंग से भी अच्छा बिजनेस हो सकता है। बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं जो बताते हैं खेती से कैसा बिजनेस कमाओ, इतने अच्छे आइडियाज लिटरली स्मॉल स्केल बिजनेस में कैसे एम्पावर करें, इतने अच्छे अच्छे यूट्यूब चैनल हैं। आप अगर एक आप दो देखने लोगे तो आप लिटरली खुद करोगे, कहीं मेरा तो टाइम नहीं आया कि मैं स्विच करूं करियर। तो आपको अपनी अवेयरनेस बढ़ानी है, खाली टाइम की यूटिलाइज करना है, यूट्यूब पे वीडियो गाने ना देख के, मिक्सचर ना देख के, कभी एक प्रोग्राम देख के बच्चों के साथ कि करियर में अच्छा डिजिटल मार्केटिंग में कैसा करियर, इथिकल हैकिंग में कैसा करियर, एक्सपर्ट टॉक देखिए। तो आज इस प्लेटफॉर्म पे कितने माता पिता ये प्रॉमिस करते हैं कि अपने महीने के कम से कम 3 घंटे वो करियर रिलेटेड वीडियोस वॉच करने में निकालेंगे। 3 घंटे मांग रहा हूँ आपसे महीने के, बस इतना ही काफी है। Type promise in the comment section. आप सबसे अनुरोध है type promise in the comment section. Yes. आशीष जी ने लिख दिया, साकेत सावंत जी ने लिख दिया, प्लीज यस हाँ प्लीज, सभी लोग 24 लोग हैं, मैं कम से कम 20 से चाहता हूँ आपकी तरफ से प्रॉमिस। आप पेरेंट हैं, जब आप ही अपने सुधार नहीं करोगे तो बच्चे से भूल जाइए। तो जितने सुधार अपने पेरेंट चाहते हैं अपने आप में, प्लीज टाइप इन द कमेंट सेक्शन, ये चैलेंज है आपके लिए। प्रॉमिस तो लिख के दीजिए कम से कम। सुशील जोशी जी लिख दिया, बहुत ही बढ़िया सर, धन्यवाद। सभी से रिक्वेस्ट है, अभी 24 लोग हैं, कम से कम 20 का मैं चाहता हूँ तभी आगे बढ़ूंगा, ठीक है। जितने पेरेंट्स हैं प्लीज, आई रिक्वेस्ट एवरीबॉडी, प्लीज टाइप इन द कमेंट सेक्शन, प्लीज आई रिक्वेस्ट, ये हमारे तरफ से रिक्वेस्ट है, टाइप करें कमेंट सेक्शन में। यस मीना जी ने लिखा है, यस बहुत ही बढ़िया, कई लोगों का आ गया, 8 लोगों का आया है बस अभी तक, प्लीज यस सभी का आया। बहुत अजय शर्मा ने लिखा, जॉनसन जॉनसन ने लिखा, बहुत ही बढ़िया। तो आपका
ये एक स्टेप, बेबी स्टेप है छोटा सा, बट ये छोटा सा स्टेप बहुत बड़ा अंतर करने वाला है आपकी सोच में और आपके बच्चों की सोच में। तो आइए हम शुरू करते हैं प्रोग्राम, और इस प्रोग्राम में मेरे साथ हैं लोकमान सर, और मैं तो डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट हूँ, और लोकमान सर, हाँ, उनके पास 20 साल का उनका कॉर्पोरेट का एक्सपीरियंस है, और एक्सपीरियंस के साथ साथ वो करियर काउंसलिंग में भी हैं। इंडिया में जो IDC एक कंपनी है, इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट, उसके साथ एक सीनियर काउंसलर लगे हैं, और लगभग हर राज्य में, लगभग पिछली बार उन्होंने 22,000 बच्चों की एक साथ काउंसलिंग की राजस्थान बोर्ड, राजस्थान गवर्नमेंट की। तो इतना एक्सपर्ट है वो, और वो करियर को चुनना कैसे है बच्चों के लिए, क्या क्या उसकी मायने होते हैं, साइंटिफिक साइंटिफिक तौर पे करियर चूज कैसे करें। आपको बीमारी होती है कोई, कहाँ जाते हैं मतलब डॉक्टर के पास, डॉक्टर क्या करता है, डॉक्टर पहले आपके ब्लड रिपोर्ट, यूरिन रिपोर्ट, वो सब देखता है, उसके आधार पे आपको दवाई लिखता है। तो जब हम बच्चों का करियर चूज करते हैं, हम रैंडमली चूज करते हैं, पर करियर चूज करने की पूरी वैज्ञानिक विधि है, ठीक है। उसका पहले साइकोमेट्रिक होता है, साइकोमेट्रिक में सब पता लगता है, पर एक बहुत बड़ा पोर्टल पता लग जाता है, उसके बाद उसकी पूरी डिटेल प्लानिंग की जाती, चैटिंग की जाती, तब जाके आप कहते हो बेटा ऐसा है, आप में हुनर ये है और इस हुनर के आप पास ये करियर फील्ड है। तो ये बहुत जरूरी है कि इसकी प्लानिंग आप शुरुआत से कर दें, जैसे बच्चा 9th-10th में आता है। और हर बच्चा, अब मैं दोबारा कहूंगा, वो यूनिक होता है, हर बच्चा गिफ्टेड होता है। अभी आपके कैलिबर पे भी डिपेंड करता है कि आपकी परवरिश भी डिपेंड करता है कि आप उस बच्चे को कितना ढालें कि वो एक अच्छा इंसान बन सके और एक सफल सफल इंसान बन सके, जो समाज में कुछ ना कुछ योगदान कर सके। ये नहीं कि वो डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, IAS बने, वो जो बने, पर सबसे इंपॉर्टेंट है वो अपना समाज में योगदान दे, अच्छा व्यक्ति बने, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। चलिए आइए, मैं स्वागत करता हूँ लोकमान सर का, प्लीज आज इस सेशन में, इन्फो सेशन में, कि आपने समय निकाला और हमारी ऑडियंस को बोला ये चीज, और हम लोग कुछ ना कुछ 1-to-1 सेशन भी रखेंगे लास्ट में, आपकी Q&A भी लेंगे। तो मैं दोबारा रिक्वेस्ट करूंगा, आज आप ये ना पूछें कि कौन सा कॉलेज अच्छा है, नहीं, ये उसके पीछे चर्चा नहीं है, चर्चा ये है कि बच्चों के करियर का चुनाव कैसे करना है, क्या क्या बातों का ध्यान रखना है। तो सर स्वागत है आपका। धन्यवाद सत्या, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। मैं तो मतलब सोच में पड़ गया कि डिजिटल मार्केटिंग के एक्सपर्ट इतनी बढ़िया करियर की जानकारी, और सत्या तुम हर फन मौला हो, रियली नहीं, मैं ऑलराउंडर एक हो। अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। मैं जब स्कूल ड्रॉप आउट किया था, जब मैं 19 साल का था, मैंने लगभग 25 स्कूलों में करियर गाइडेंस किया, और मैंने मूछें रखी, वाह, आप यकीन नहीं करो, मूछें रखी, और मैं प्रिंसिपल झूठ जाके बोलता था कि मैं MBA हूँ और मैं करियर गाइडेंस करना चाहता हूँ, तो मैं करेक्टिंग फ्री में 25 स्कूलों में गया सर, मैं उसके सर्वे पास रखे हैं। मुझे करियर काउंसलर बनने की इतनी चाह थी कि जब भी फेयर होता था टाइम्स ऑफ इंडिया का, 3 दिन का, 4 दिन का, सुबह 9 से लेकर शाम के 5 बजे तक नोट्स बनाता था, और इतनी मतलब चाह है करियर काउंसलर बनने की। तो उसी दौर में मैंने IDC ज्वाइन की, वहां में जो भी 3-4 दिन के 15-16 हज़ार रुपए लिए, उस IDC के वेबिनार वर्कशॉप में, फिजिकल वर्कशॉप में मेरी मुलाकात लोकमान सर से हुई। वहां सब लोग करियर काउंसलर बनने आए थे। जब मुझे पूछा मुझसे IDC वालों ने, ये तुम क्यों काउंसलर बनना चाहते हो, तुम स्कूल ड्रॉपआउट हो, मैंने कहा काउंसलर बनने के लिए एजुकेशन का क्या मतलब है, आपके पास करियर अवेयरनेस होती, समझ होनी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि पहला ऐसा काउंसलर होगा जो स्कूल ड्रॉप आउट होगा। तो वहां से मैं पूरी करियर काउंसलिंग की मैंने ट्रेनिंग ली, बट डिजिटल मार्केटिंग के चक्कर में या उसमें मैं इसको फुल टाइम प्रोफेशन नहीं बना पाया। कहते हैं कि कोई चीज आप में इसके इनबॉर्न टैलेंट हो, पर आपको अगर उसको कर ना पाओ तो वो जो फीलिंग तो रही जाती करियर काउंसलर वाली, तो मैं उसको अपना नहीं पाया फुल टाइम, क्योंकि मेरे कमिटमेंट है, मेरी कंपनी है, तो डिजिटल मार्केटिंग मेरा काम, उसमें उसमें अर्निंग ज्यादा होती है, पर एक एक ना फायर है कि कभी करियर काउंसलर बनने का मौका मिले, ठीक है, ये तो मैं कोशिश करूंगा। तो इसीलिए कारण मैं शायद थोड़ा सा भूल पाया, कुछ नहीं सर, और कुछ नहीं। थैंक यू सत्या, थैंक यू, आप करियर काउंसलर हो। सत्या, आज आपने एक बात 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 में बहुत अच्छी कही कि पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है, समझ विकसित होनी जरूरी है, समझ विकसित। और आज ये जो हमारा तथा कथित समाज है, इस फर्क को महसूस नहीं कर पाता, ये हेयरलाइन डिफरेंस कहीं रह जाता है। दोस्तों, आज इस विषय को आगे लेके चलते हैं। सत्या ने बहुत सारी जानकारी दी, मैं लोकमान सिंह आप सबका इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूँ। आज हमारी संख्या कम है, वैसे हम 31 का आंकड़ा पार कर गए, ये बहुत बड़ी बात है। तो आइए आज हम इस सेशन को आगे लेके बढ़ें और समझें कि
कि एज ए पेरेंट्स या एज ए स्टूडेंट हम कैसे आगे जा सकते हैं, कैसे हमें चलना चाहिए, तो मैं आपको लेके चलता हूं इस यात्रा पर। अगर आप तैयार हैं तो लिख के दिखाओ यस। आर यू रेडी टू मूव विद मी? यस लिखे यस। तो आप में से अनुरोध है कि कितने लोग आज पहली बार इस हमारे मार्गदर्शन मिशन में आप आए हैं, जो पहली बार आए हैं टाइप फर्स्ट टाइम इन द कमेंट सेक्शन। हम आपके कमेंट पढ़ पा रहे हैं, टाइप फर्स्ट टाइम इन द कमेंट सेक्शन, टाइप फर्स्ट टाइम। ये सुनील जोशफ पहली बार आए हैं, आपका स्वागत है सर। आप में से और कितने पहली बार आए हैं, प्लीज टाइप इन द कमेंट सेक्शन। हो सकता है कुछ लोग आए हो नहीं, फर्स्ट टाइम टाइप फर्स्ट टाइम, या डबल वन टाइप कर दें दो बार, जो लंबा टाइप करना पड़ रहा है तो प्लीज टाइप डबल वन। मेरे ख्याल से एक ही व्यक्ति आज नया जुड़ा है, सुनील जोशी आपका स्वागत है। आप सबसे अनुरोध, जो नए फर्स्ट टाइम जुड़े हैं प्लीज, सबसे अनुरोध है टाइप फर्स्ट टाइम। चलिए तो ये आज मिशन में शुरुआत करते हैं, लोकपन से प्लीज स्टार्ट सर। थैंक यू सत्या, थैंक यू। कितने लोग नए जुड़े हैं आज? एक व्यक्ति जुड़ा है नया सर आज। चलो तो फिर ज्यादा हमें परिभाषा देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हाँ, राजू जी भी जुड़े हैं, कुछ लोग टाइप नहीं कर रहे, कुछ लोग हैं, चार पांच लोग हैं, और लगभग आधे घंटे में लगभग और लोग जुड़ेंगे हमसे सर। चलिए दोस्तों आज हम चलते हैं। तो मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं कि ये जो करियर वाला आंकड़ा है, इसमें प्रॉब्लम कहाँ है और हमें हैमर कहाँ करना है। मैं कम समय में आपको ज्यादा बात दे पाऊं इसकी कोशिश करूंगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा विषय है और इस बड़े विषय को मैं छोटी समय में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो हम अक्सर करते क्या हैं, एज ए पेरेंट्स हम उन चीजों पर डिस्कस करते हैं जो चीजें कॉस्मेटिक्स होती हैं। कॉस्मेटिक्स का मतलब है कि हम जो समाज में ज्यादा चलने वाली चीज है बच्चों को उस तरफ ले जाते हैं। क्या चल रहा है, इंजीनियरिंग चल रही है, क्या चल रहा है मेडिकल चल रहा है, क्या चल रहा है IAS चल रहा है, क्या चल रहा है चार्टर्ड अकाउंटेंसी चल रही है। हम सिर्फ उन सरफेस से ऊपर टॉप करियर के लिए बच्चों से बात करते हैं और यहीं से वो समस्या शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से सारे बच्चे या लगभग सारे यानी मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स अपनी सक्सेस को हासिल नहीं कर पाते। अब सक्सेस हासिल कितने लोग करते हैं, मैं आपको अगर एक सर्वे बताऊं तो आपको अचंबा होगा। एक आई ओपनिंग सर्वे है कि इंडिया में मोर देन 90% बच्चे वो नहीं कर पाते जो वो खुद या उनके माँ बाप चाहते हैं, 90%। अब आपको सोचने पे मजबूर करेगी ये बात, और ये बिल्कुल 100% फैक्ट है। आप अपने जहन में जांचो, अगर आपको इसका बाहर प्रूफ नहीं, जहन में जांचो, क्या हम जो कर रहे हैं क्या वही करना चाहते थे, क्या वही हमारे माँ बाप चाहते थे, क्या मैं कर रहा हूं उसमें मैं खुश हूं, हाउ हैप्पी आई एम विद द वर्क और जॉब आई एम डूइंग, जो मैं कर रहा हूं कर रही हूं कितना खुश हूं उससे, तो आपको पता चल जाएगा कि मैं 90% वाले उस ब्रैकेट में हूं या 10% वाले ब्रैकेट में हूं। दोस्तों जितने लोग आपने सफल देखे हैं जिंदगी में, सक्सेस देखे हैं, जिसे सो कॉल्ड सक्सेस बोलते हैं, जैसे सत्या है, जैसे अल्बर्ट आइंस्टीन थे, या जैसे बॉलीवुड में काम करने वाले कुछ लोग हैं, मैं कुछ लोग कहूंगा जो बाय चॉइस बाय प्रोफेशन अपना काम कर रहे हैं एंड दे आर हैप्पी, स्पोर्ट्स में जो लोग हैं वो लोग खूब कमा रहे हैं और उन्होंने अपनी मंजिल में अपनी मंजिल हासिल कर ली है, क्यों कर पाए वो, जबकि उनके साथ इतने कॉम्पिटिशन में बच्चे थे वो नहीं कर पाए। बड़े कमाल की बात है। यहाँ छोटा सा डिफरेंस है, छोटा सा, छोटा सा, और वो मेरे स्क्रीन पे आपको दिखाई देता होगा कि मैं आज क्या बात आपको करने वाला हूं। जिन लोगों को हिंदी में लिखा समझ में नहीं आता, मैं पहली बार आज हिंदी का ये PPT प्ले कर रहा हूं जो मैंने स्टेट बोर्ड के बच्चों के लिए बनाई थी स्पेशली। इंडिया में आपको हिंदी में करियर गाइडेंस देने वाले बहुत कम लोग मिलेंगे, होता ही नहीं है, शब्दावली नहीं मिलती, और ज़्यादा बच्चे हमारे जो है वो स्टेट बोर्ड्स में है, तो मैंने ये कई स्टेट्स के बच्चों को अभी गाइडेंस दी है, तो उन बच्चों के लिए मैंने स्पेशल बनाई है। तो दोस्तों अब करना क्या होता है और होता क्या है, दोनों में बड़ा फर्क है। हम क्या करते हैं, बच्चे को किसी बात से फैसिनेट होके उसको करियर बता देते हैं, ये चल रहा है ये करो,
ये चल रहा है ये करो। अब मैं आपसे पूछूं कि आप बताएं कि दुनिया में कितने करियर अच्छे हैं, तो सत्या मैं चाहूंगा आप मुझे पढ़ के बताएं कि कितने करियर अच्छे हैं। आप अपने कमेंट बॉक्स में प्लीज लिख के बताएं आप कितने करियर्स को जानते हैं जो प्रचलन में हैं, या जितने करियर आप जानते हैं प्लीज मुझे लिस्ट आउट करके बताएं। तो हम यही एक एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं कि कितनी अवेयरनेस हमारे समाज में है। यस प्लीज, आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू प्लीज टाइप इन द कमेंट सेक्शन व्हिच इज बेस्ट करियर और एडवाइजेबल करियर, या आप जितने करियर जानते हो आप जितना जानते हैं टाइप इन द कमेंट सेक्शन। रामा जी ने लिखा है इंग्लिश हिंदी दोनों का इस्तेमाल करें, माफी चाहते हैं कि हम हिंदी पे फोकस रखते हैं, अंग्रेजी कुछ वर्ड आ पाए। आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस इन इंग्लिश आल्सो, सो आई एम जस्ट आस्किंग दैट प्लीज यू जस्ट टाइप इन योर चेक बॉक्स दैट हाउ मच करियर यू नो दैट हाउ मच करियर्स आर देयर इन दिस वर्ल्ड जो अच्छे चल रहे हैं, द बेटर करियर्स, और यू कैन नेम द करियर्स, जितने भी करियर्स के आपको नाम जानते हैं। आशीष जी ने लिखा है चार्टर्ड अकाउंटेंसी, कंपनी सेक्रेटरी, एक्चुअरी। जॉनसन ने लिखा है स्पोर्ट्स। सुनील जोसफ इंजीनियरिंग, मेडिसिन, अकाउंट, बिजनेस। रामिया जी डॉक्टर। फिर लिखा है कंप्यूटर इंजीनियरिंग किसी ने। फिर जॉनसन ने दोबारा लिखा है IIM एंड IIT। जॉनसन ने दोबारा लिखा है IIT। केवल 3-4 लोग जो लिख रहे हैं, बाकी सब लोग मतलब क्या सोच रहे हो साहब, ये कौन बने करोड़पति का? यस एस्ट्रोनॉट, ठीक है ना, बायोटेक, इन्फॉर्मेटिक्स, फार्मा, MBA। आशीष जी ने लिखा है, साकेत सावंत ने लिखा है कि CA बायो इन्फॉर्मेटिक्स, लक्ष्मी जी इंजीनियरिंग। ठीक है, आप सबसे अनुरोध है आप इंजीनियरिंग, मेडिकल, AI पहला आउट ऑफ द बॉक्स आया है जॉनसन एंड जॉनसन। काउंसलर बहुत बढ़िया, एग्रीकल्चर ओके, एग्रीकल्चर सुनील जोशी लिखा है, लक्ष्मी जी, लक्ष्मण नेगी फिल्म मेकर, अच्छा है। प्रणव चौधरी ट्रेनर, बहुत बढ़िया। प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है प्लीज, जितने लोग ऐसे कुछ लोग बार बार लिख रहे हैं बायोटेक्नोलॉजिस्ट, चलिए। फिर लिखा है सुनील जोसफ ने फैशन डिजाइनिंग, लक्ष्मण जी प्रोड्यूसर, ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग है चलिए। न्यूरो साइंस साकेत सवन, चलिए। डेटा साइंस, यस आशीष जी, अजय शंकर जी, वेलनेस कोच, वाओ प्रणव, डाइटिशियन, चलिए चलिए प्लीज सभी से रिक्वेस्ट है। डेटा इंजीनियरिंग लक्ष्मण ने की, ठीक है। तो आप जो लिख पा रहे हैं ये इट इज रिवॉल्विंग अबाउट बायोटेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मेडिसिन, डेंटल, वेलनेस, ठीक है, और फैशन डिजाइनिंग। अब ये रिपीट होना शुरू हो जाएगा, अब ये रिपीट होना स्टार्ट हो रहा है। तो टीचिंग भी है बायोटेक का। अब मैं जो देख पा रहा हूँ कुछ ने आउट ऑफ द बॉक्स दिए, एक AI दिया है जो आपके आशीष जी ने दिया है और आपके जॉनसन जॉनसन जी ने दिया है। देन डेटा है, डेटा साइंस बहुत ही हॉट टॉपिक है, यू वोंट बिलीव। एक साल की डेटा साइंस का कोर्स कर लो तो 15 लाख की जॉब मिलती है सीधे, भले आप स्कूल ड्रॉप आउट हो। तो बहुत कम लोगों ने डिजिटल मार्केटिंग, यस उभरता ऑप्शन है। फैशन डिजाइनिंग, मैं चाहता था कुछ आउट ऑफ द बॉक्स बताएं जो करंट भी नहीं है, केवल 4-5 लोग आउट ऑफ द बॉक्स बचा। रोबोटिक्स, यस रोबोटिक्स है पर यस। तो मैं हम सर आप कंटिन्यू करें सर। थैंक यू सत्या, थैंक यू। तो मैं अब आपको ये बता दूं, पहले तो आपको बधाई दूं कि आज इस रूम में 36 लोगों ने और करीब 38 करियर काउंट करा दिए मुझे, 38 करियर। ये पहली बार हुआ है कि 36 लोगों ने 38 करियर काउंट करा दिए, अदरवाइज मैंने बहुत बड़ी बड़ी सभाएं की हैं, वहां 25 से आगे गिनती नहीं जाती, 25 से आगे काउंटिंग नहीं जाती। अब आप बिलीव करोगे कि हम सब तथा कथित सो कॉल्ड पढ़े लिखे लोग हैं, वी आर सो कॉल्ड एजुकेटेड पीपल हु नो अ लॉट अबाउट दिस वर्ल्ड, हु नो अ लॉट ऑफ अबाउट एजुकेशन, वो लोग 38 पे खड़े हैं, 38 पे खड़े। अब होगा क्या, हम अपने बच्चों को या हमारे संपर्क में जितने भी बच्चे होंगे हम कहां सजेस्ट करेंगे, आउट ऑफ दीज 38 ओनली, हम इन 38 में से ही किसी न किसी एक चीज के बारे में बताएंगे, और पहली गड़बड़ यहीं से शुरू हो जाती है। द फर्स्ट प्रॉब्लम स्टार्ट्स फ्रॉम हियर, बिकॉज हम अगर घोड़े की तरह सिर्फ इतना देख रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि दुनिया इतनी है, माफ करना मैं ये बात बता रहा हूं, पर हमारी नॉलेज इस फील्ड पर लिमिटेड है,
और उसकी वजह से हम क्या करते हैं कि ये जो 38 पाथवेज हैं, अब क्योंकि हम एक नॉर्मल इंडियन है, एवरेज इंडियन है, या एवरेज से ऊपर हो सकते हैं, तो एवरेज से ऊपर भी हो सकते हैं, तब हमारा ये हाल है, तो एवरेज वालों का क्या होगा, वो भी इन 38 में से ही कुछ ना कुछ सेलेक्ट कराएंगे अपने बच्चों को। अब सारा ही इंडिया अगर इन 38 में ही जाएगा तो ये हाईवेज, ये पाथवेज आपको ओवरक्राउडेड होने हैं, होने। अब ये ओवरक्राउडेड पाथवेज में आपके बच्चे की गाड़ी झटके खाएगी, और वहीं आउट ऑफ 38 इतने सारे पाथवेज हैं, दे आर लेस क्राउडेड, कम भीड़ है उन पर, सोचते ही नहीं है लोग उनकी तरफ, तो पहली गड़बड़ यहां शुरू होती है दोस्तों। तो हमें अपना दायरा बढ़ाना चाहिए। सत्या ने आज एक बहुत अच्छी बात कही कि एक बच्चा कोई गाजर नहीं है, मूली नहीं है कि आज अच्छी नहीं निकली तो कल निकल आएगी। साहब वो आपकी जिंदगी का, आपके परिवार का, आपके पीढ़ियों का एक कड़ी है, एक जिंदगी है, एक स्वतंत्र जिंदगी है। उस स्वतंत्र जिंदगी को आपको ऐसे सेव करना है कि वो जिंदगी जी तो ले, दब नहीं जाए बोझ के तले। और अभी बच्चे, छोटे छोटे बच्चे बोझ के तले दबे जाते हैं क्योंकि वो ओवर क्राउडेड पाथवेज की तरफ जा रहे हैं। तो हमें क्या करना चाहिए एज ए पेरेंट्स, हमारा पहला काम, हम अपनी अवेयरनेस बढ़ाएं। अवेयरनेस कैसे बढ़ाएं, जैसे सत्या ने बताया करियर 360, हमारा कोई लिंक नहीं है उनसे, हमने आज तक मिले भी नहीं है करियर 360 वालों से, पर जब भी प्रगति मैदान दिल्ली में जितनी भी फेयर होते हैं, हम उन बुक फेयर्स में पहुंचते हैं और करियर 360 वालों से मिलते हैं, वो हमने मैगजीन्स पढ़ी हैं, उनकी वेबसाइट पढ़ी है, वो और उससे वो नॉलेज निकलती है जो हमें इन जनरल नहीं पता। और ये सिर्फ हमारी जिम्मेदारी नहीं है, हमारे देश में करियर काउंसलर पढ़ रहे हैं इस काम को, पेरेंट्स अभी तक वहां पहुंचते नहीं है, जबकि असली जरूरत पेरेंट्स को है, रियल नीड है कि पेरेंट्स वहां तक जाएं जहां करियर की अच्छी अच्छी बातें और विस्तृत नॉलेज, अ वाइड इंफॉर्मेशन अबाउट करियर्स इज अवेलेबल, दैट इज रिक्वायर्ड। द फर्स्ट टेक अवे फॉर टुडेज, यू शुड लर्न, यू शुड अपडेट एंड बी अवेयर अबाउट वेरियस अनटस्ट और लेस क्राउडेड करियर पाथवेज। एक तरीका तो आपको ये एक्सप्लोरेशन का करना चाहिए, यानी पेरेंट्स जब बच्चा आपका 8th क्लास में आ जाए, 8th क्लास में, 8th से पहले प्लीज, आज इस सेशन से दूसरा टेक अवे मैं आपको बता रहा हूं, पहला तो एक्सप्लोरेशन, दूसरा टेक अवे ये है कि 8वीं से पहले बच्चे को बिल्कुल आप ये नहीं कहेंगे अब ये बन जाना, वो बन जाना, ये बन, आप अपनी बात को मत थोपो उनके ऊपर, वो एक इंडिपेंडेंट जिंदगी है, लेट देम डेवलप। 8वीं क्लास तक उसकी कॉग्निटिव पावर को स्ट्रॉन्ग होने दो। कॉग्निटिव पावर का मतलब है कि उसकी जो प्रोसेसिंग पावर है, इंफॉर्मेशन प्रोसेस करने के लिए उसका जो प्रोसेसर है ब्रेन में, उसको तेज होने दो, ताकि वो ज्यादा इंफॉर्मेशन कम टाइम में प्रोसेस करे और वो अच्छे डिसीजन ले सके। वो अच्छे डिसीजन लेने का मौका दो उसको, पर आप उसे 8वीं से पहले ये मत छेड़ो कि तू कलेक्टर बनना, तू इंजीनियर बनना, तू डॉक्टर बनना। इफ इट इज कमिंग फ्रॉम देयर साइड, फ्रॉम देयर हार्ट और माइंड, आप उसको वैल्यू करो, ठीक है बन लेना, अभी मस्ती करो। 8वीं तक उनकी जिंदगी को विकसित होने दो प्लीज, अभी बॉडी विकसित नहीं होती, ये माइंड जो है बहुत ज्यादा मैच्योरिटी लेवल पर चला जाता है और वो दिक्कत देता है। तो 8वीं तक करियर गाइडेंस नहीं, सिर्फ कॉग्निटिव पावर का डेवलपमेंट होना है। जैसे ही बच्चा 8वीं में आ जाए तब से शुरू कर सकते हो 9th, 10th, 11th, 12th, 4 साल आपके पास है। उस 4 साल में 9th और 10th में भी आपको क्या करना है, उस बच्चे को एक्सप्लोरेशन करानी है। आप और बच्चा म्यूचुअल एक्सप्लोर करो कि कौन कौन से करियर हैं, कौन से अच्छे हैं, कौन से हैं, कौन से अच्छे हैं, दो चीज, और मेरी कॉम्पेटिबिलिटी यानी बच्चे की कॉम्पेटिबिलिटी किसके साथ अच्छी है, ये 3 चीजें। पहली दो, कितने करियर हैं दुनिया में, बच्चे को ये इंफॉर्मेशन दो,
कि ये करियर है, 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 इसके प्रोज ये हैं, इसके कौन सी हैं, इसमें ये होता है, मर्चेंट नेवी में ब्रेड खानी पड़ती है, मछली खानी पड़ती है, अगर आप मांस नहीं खाते तो मर्चेंट नेवी नहीं जा सकते, आपको रोज गर्म रोटी चाहिए तो मर्चेंट नेवी में नहीं जा सकते, ठीक है, फौज में क्या होता है, एयर में क्या होता है, आपको एयर पायलट बनना है तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, ये सारी बातें उसके दिमाग में जाने दो, उसको एक्सप्लोर करने दो, फिर डिसीजन आएगा निकल के। जैसे ही दसवीं पास हो जाए बच्चा, दसवीं क्लास में 6 महीने के बाद से और दसवीं पास करता है तब तक आप, ये डिसीजन का क्रिटिकल टाइम होता है, इस टाइम पे डिसीजन होना चाहिए, उस टाइम पे एक असेसमेंट होना चाहिए बच्चे का, वो डिसाइड अभी बात करेंगे हम कैसे होगा। तो दोस्तों दूसरा टेक अवे ये है कि आठवीं के बाद एक्सप्लोरेशन शुरू हो, आठवीं से पहले उसको मस्ती से जिंदगी जीने दो, और जब आठवीं में आ जाए तो आठवीं नौवीं दसवीं इन 3 सालों में आप करियर्स के एक्सप्लोरेशन कराओ उससे कि दुनिया में कितने करियर हैं। तो आज की ये 2 बातें आप सीख के जा सकते हैं, और प्लीज इस बात को आप अपने पास सीमित न रख के ये ज्ञान आप आगे बांटना, पता नहीं किस दीपक में आपकी ज्योति लग जाए और किसकी जिंदगी कहां से बदल जाए, कोई पता नहीं, जाने कहां से ये दीपक निकल जाए, जैसे हमारा एक दीपक था वैसे, जाने कितने दीपकों में आप ज्योति देंगे। दोस्तों 2 चीजें हुई, अब मैं तीसरी बात आपको ये बताने वाला हूं कि जब बच्चा दसवीं में आ जाए तब हम उसकी क्षमताओं का आकलन करें, वो बच्चा क्या कर सकता है, वो क्या करता है, किसमें अच्छा है, जैसे ही क्षमताओं का आकलन आप कर पाओगे फिर आप उसे करियर से जोड़ पाओगे, फिर आप करियर से जोड़ पाओगे। अदरवाइज होता क्या है गड़बड़, कि बच्चे की क्षमता कुछ और है, हम कुछ और करवाना चाहते हैं और प्रॉब्लम यहां से शुरू हो जाती है। तो मैं आपको जल्दी से लेके चलता हूं क्योंकि समय कम है। सर मैं एक चीज में ऐड करूं सर इसमें? जरूर सत्या। मैं आज से 1.5 साल पहले, मुझे यहाँ गवर्नमेंट स्कूलों में मुझे बुलाया गया करियर काउंसलिंग के लिए, तो मैं बुराड़ी में गया था, दिल्ली का एरिया है, तो उसमें स्कूल में मैडम ने कहा कि कौन सी क्लास चाहिए, मैंने कहा 11, 12, सारी सेशन बैठा दी उन्होंने। तो आप यकीन नहीं करोगे, जब मैंने बच्चों से पूछा कि जिनके 60% कम थे उनमें इतनी निराशा थी 60% से कम में कि सर हमारा कुछ नहीं होगा, आप यकीन नहीं करोगे। एंड जितने भी स्टूडेंट्स से बोल रहे थे कि सेइंग सर लेस देन वी स्कोर लेस देन 60% वी डोंट हैव एनी करियर, मैं ये बात उनसे सुन के आया और मुझे बहुत ही अटपटी लगी और बहुत ही खराब लगा। तो मेक श्योर जैसे बच्चों के मार्क्स कम आते हैं, देखिए अल्टरनेटिव करियर बहुत अच्छे हैं और बहुत कमाओ पैसा है, ठीक है, ऐसा ही पैसा नहीं बहुत पैसा साहब, तो आपकी करियर विनय जो लोकमान सर ने कहा ये बहुत दूर तक जाएगी। और जैसे आप जाएंगे ऐसी किताबें, मैं यकीन नहीं करूँ ऐसी किताबों का संग्रह मैं बचपन से कर रहा हूँ, आप देख पा रहे हो छोटी सी है ये कैसी, ये बहुत मोटी किताब है, देखिए बहुत मोटी किताब केवल करियर की, ये केवल बी स्कूल की किताब है, बिजनेस स्कूल की, और इतनी मोटी किताब, बहुत मोटी किताब है, 550-600 पेज की है ये। तो मैं केवल जबकि मैं MBA कभी करना चाहता हूँ ना कुछ, बट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी भाई क्या चल रहा है लाइफ में क्या है? तो ध्यान रखना आपकी अवेयरनेस आपके बच्चे को बचा सकती है कि वो डिप्रेशन में ना जाए, वो ऐसा कदम ना उठाए, अवसाद में ना जाए, ये बहुत जरूरी है। केवल पर्सन हु हैज स्कोर 90% और सेकंड ध्यान रखना आने वाले 10 साल में जिस हिसाब से टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, द जॉब और जिसके पास जॉब का स्किल सेट होगा वो विन करेगा। इवन गूगल याहू बड़ी से बड़ी बड़ी कंपनियां उन्होंने कहा कि अब कॉलेज से बच्चे ना लें हम ज्यादा, खास बड़े बड़े कॉलेज से अब नए कॉलेज से बच्चे लेते हैं, और उस फील्ड के नहीं लोग लें, एक और फील्ड के लोग काम एक और फील्ड का कराएंगे। तो आने वाले 12 साल में जो जॉब है आप सो कॉल्ड जॉब है हो सकता है वो रहे ना, जैसे ऑटोमेशन आएगा, तो आने वाले टाइम में क्रिएटिविटी विल बी द की गेम चेंजर, द क्रिएटिविटी इनोवेशन विल बी द की गेम चेंजर। कि आज आपके सामने स्कूल ड्रॉपआउट बैठा है एक सफल व्यक्ति बन के, ठीक है, मेरे पास ज्यादा नहीं केवल 4 एम्प्लॉय है, ज्यादा एम्प्लॉय नहीं है, बट मैं जब मैंने स्कूल में कहा कि बच्चों मैं एक स्कूल ड्रॉपआउट 5 साल फेल आपके सामने यहाँ खड़ा हूँ, तो आप यकीन नहीं करोगे कि जो उन बच्चों में उमंग आई, जो उत्साह आए, जिनको हमारे टीचर कहते हुए तुम्हारा क्या होगा कह लिया, लिटरली मैं टीचर का, कोई टीचर हो तो माफ करना पर मैंने बच्चों सुना है कि सर हमें टीचर बहुत डांटते हैं। तो ये टीचर्स का अभिभावकों का पहला कर्तव्य है कि केवल पढ़े लिखे ही नहीं कमा सकते साहब, और ध्यान रखना
पैसा उन लोगों के पास है जिन्होंने स्कूल ड्रॉप आउट है, उन्होंने बड़ी बड़ी कंपनी बना बना रखी है, और उनके यहाँ सो कॉल्ड आईआईटी वाले, एमआईटी वाले, आईएम वाले ये ऑन जॉब नौकरी करते हैं सर। दुनिया की सबसे बेस्ट कंपनी 100 के 100 आप देखेंगे मेजोरिटी स्कूल ड्रॉपआउट बनाई है। तो ये मत सोचिए कि अगर आपका बच्चा पढ़ने में कमजोर है तो साहब नौकरी नहीं कर सकता। भाई साहब आप इस माइंड से चलो कि मेरा बेटा नौकरी नहीं करेगा, नौकरी देगा। इस चीज से आप चलिए, यकीन नहीं करोगे परिवर्तन वहां आ जाएगा। तो ये चीज ध्यान रखना कि मैं बहुत कमजोर था, मेरे पिताजी ने कभी नहीं कहा बच्चा अरे मैं बेटा बेटा कर लेगा। तो आपका सपोर्ट, आपका बैकएंड में उसको पुश बहुत जरूरी है। मैं दोबारा कहूंगा, मेरे सामने ऐसे पेरेंट आए हैं कि सर मेरा बच्चा 2 बार फेल हो गया, मैं कोई बात नहीं वो बेस्ट सफल बनेगा, ये करियर ऑप्शन है, ये चीज करा उसको जाके, क्योंकि मैं उस दौर से गुजरा हूँ। तो मेक श्योर बच्चा 50% ला रहा है, लेट देम एंजॉय, मस्ती कर ले दो, कमा ले खा लेगा, बट कभी उसको इतना प्रेशराइज ना करें। और मैंने अक्सर देखा पेरेंट अरे उसके 50 आ रहे हैं, तेरे 60 आ रहे हैं, तो मतलब मैं लिटरली बता रहा हूँ, हो सकता है बहुत पेरेंट आप में से कंपेरिजन करते हैं, नहीं उसकी क्षमताओं का, उसकी स्किल्स का आपको यूज करना, ये तभी कर सकते हैं जब आपके पास उस चीज पहचानने की नजरिया हो और अपने आप को अपडेट करने की क्षमता हो। तो ये बहुत जरूरी, 2 किताबें हैं, अभी किताबें बंद होगी, ई बुक देते हैं, तो मेरे पास लगभग 200 ई बुक रखी है, 200 ई बुक मैंने बहुत प्लस से मैंने इकट्ठी की है अपने लाइफ टाइम, बहुत अच्छी अच्छी। तो आप में से जितने लोग चाहते हैं हमको ग्रुप, एक नया ग्रुप बना देंगे टेलीग्राम का, उसमें हम करियर की सीरीज पूरी लाने वाले, उसमें ये सारी ई बुक आपको उसमें शेयर कर दूंगा। सर प्लीज माफी चाहूंगा पीछे बोलने के लिए। थैंक यू सत्या। आज के 2 टेक अवे ये हैं आपके कि आप 8वीं तक बच्चों को करियर के लिए नहीं छेड़ें, और 8वीं के बाद 9वीं और 10वीं में उनके करियर को एक्सप्लोरेशन मोड पे ले आएं, जहां आप अपनी नॉलेज को अपडेट करें और बच्चा भी अपनी नॉलेज को अपडेट करे, और दुनिया में जितने भी करियर अवेलेबल हैं ही और शी शुड नो अबाउट ऑल द करियर्स। आप अलग अलग करियर की इंफॉर्मेशन ला के उन बच्चों को दें और उसके साथ उसको डिस्कस करें, रादर ये थोपने के कि मैं आईएएस नहीं बना, आप आईएएस बन जाओ, या आजकल सीए का बड़ा चलन है। मैं आपको एक बात बता दूं कि मैंने इतने सारे अच्छे, मैं बहुत सारे मेरे आईएएस लॉबी के साथ मेरे आना जाना रहता है, मैं एक योगा टीचर भी हूँ, तो बाकी चीज़ों ने मेरे को उस लेवल में उतनी जगह नहीं दी जितना मुझे अकेले योगा ने दिया। तो मैं बड़े डीएम और डीसी और एडीसीज के घर मेरा आना जाना रहता है, तो मैं आपको ये बात इसलिए बता रहा हूँ कि मैं उनको नज़दीक से जानता हूँ, और उनमें से भी बहुत सारे लोग खुश नहीं है। तो मैं जब उनसे बात करता हूँ तो उनके ऊपर भी ये थोपा हुआ करियर है, एंड दे आर नॉट हैप्पी। आर्मी से एयरफोर्स से जब हमारा लिंक रहा तो वहाँ देखा हमने बहुत सारे अफसर खुश नहीं है, सुसाइड करते हैं वो वहाँ। तो आपको ये जो बच्चे को आप बना तो दोगे, आप अपनी राय थोप तो दोगे, पर कोई गारंटी नहीं है कि वो वहाँ रह के खुश रह ले, वो अपनी जिंदगी खुशी से गुजार दे। ये जो सुसाइडल अटेम्प्ट और जो स्ट्रेस सो कॉल्ड है, ये इसी का एक रीजन है, इसका रूट कॉज है। तो दोस्तों इससे हम अपने परिवार को कैसे बचा सकते हैं, आइए चलते हैं। तो हमें करना क्या है, हमें बच्चों की क्षमताओं का आकलन करना है। 9th 10th में या उससे पहले भी आप ये देखो ये बच्चा तेज किस में, और लड़ाई में तेज है तो इसको लड़ाई के क्षेत्र में ले जाओ, या बच्चा पढ़ाई में तेज है तो उसको पढ़ाई के क्षेत्र में ले जाओ, बच्चा सिंगिंग में उसका इंटरेस्ट है तो आप सिंगिंग की तरफ मोड़ो, खुश तो रहेगा। ये जो सफलता का राज है, अगर ये सीख गए तो भी हमारा आधा काम पूरा हो जाता है। अब मैं आपको एक आई ओपनिंग फैक्ट बताऊं जो डिमांड और सप्लाई को तय करता है। हमने अभी जो 38 करियर की बात की, उसमें से पूरी इंडिया में हमारे यहाँ, मैं जब यूपी और बिहार के स्कूलों में करियर गाइडेंस के लिए जब जाता हूँ उस इलाके में, तो आप उम्मीद नहीं करेंगे, बच्चा मुश्किल से 10th पास हुआ है, पर पेरेंट्स और बच्चे की अभी भी उम्मीद है कि वो एडमिनिस्ट्रेटर बनेगा, आईएएस बनेगा, लाल बत्ती की गाड़ी में जाएगा। माई गॉड, कैसे उम्मीदें दी गई हैं उनको। मैंने अभी पिछले साल बहुत सारे बच्चों को वहाँ गाइडेंस दिया, और उसमें उन बच्चों ने, कुछ ने तो दबे मुंह बताया, जी जबरदस्ती हमको आईएएस बनाना चाहते हैं घर वाले, पीसीएस बनाना चाहते हैं। अब मैं उनको ये बात बताता हूँ, या हमारी पूरी काउंसलिंग कम्युनिटी ये बताती है, कि पूरी इंडिया में अगर मैं आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस, इन सारी पोजिशंस को मिला दूं तो 1000 सीट एक अटेम्प्ट में बनती है, और 8 लाख बच्चे बैठते हैं।
अब 8 लाख बच्चों में से हम इसे मुकद्दर नहीं समझ सकते, हम ये नहीं कह सकते जिसकी किस्मत है वो अच्छा जाएगा। आपको 800 बच्चों में से 799 बच्चों को पछाड़ने का बूता अगर आपके बच्चे में है, इन केस योर चाइल्ड कैन बीट 799 फेलो स्टूडेंट्स, देन ओनली ही विल सिक्योर वन प्लेस इन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज इन इंडिया। इन केस somebody एल्स आउट ऑफ दोज 799 कुड प्रूव हिम और हरसेल्फ बेटर देन योर चाइल्ड, देन ही और शी वुड सिक्योर दैट पर्टिकुलर सीट। उसमें भाग्य पूरी तरह काम करे कोई गारंटी नहीं है। जिसने ज्यादा मजबूती से कॉम्पिटिशन को जीतना सीख लिया वो बच्चा आगे जाएगा। अब ये सीखा कैसे जाता है वो भी मैं डिस्कस करके बताऊंगा। मेडिकल की बात करें तो ये 25, 26, 51 और बाकियों को जोड़ दूं तो मैं 76,000 और अभी 77 के पूरे नहीं हुए का मतलब है 76,529 करीब इतनी सीट है इंडिया में अगर मैं गवर्नमेंट और प्राइवेट सारी जोड़ दूं, और उस पर इस साल करीब 14.5 लाख बच्चे बैठे हैं। 14.5 लाख बच्चे और 70-80 हजार सीटें, आप रेशियो देखो कितना है। एक बच्चा 20 में से एक बच्चा बाहर निकल के जाएगा। अगर बाकी 20 में से किसी बच्चे ने ज्यादा मेहनत कर ली तो आपका रहने वाला है, वापस रह जाएगा पीछे। तो यहां कंपटीशन 20:1 है। आईएएस में आपका कंपटीशन 800:1 है। सेम वे इंजीनियरिंग की बात करूं तो टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेज जो IIT, NIT, IIIT, GFTI, इन सबको इकट्ठा करने के बाद इनकी सीट्स निकालूं तो अच्छी सीट्स जो हैं वो 50,000 से नीचे सिमट जाती हैं सारी, और बच्चे बैठेंगे 15 लाख। अगेन 1:30 का रेशियो यहाँ है, 1:30 का रेशियो बहुत बड़ा रेशियो है। और दूसरा लॉ में अगर बात करूं तो वहां भी आपको 1:20 का रेशियो है, और अगर चार्टर्ड अकाउंटेंसी में कॉमर्स में बात करें तो 1:10 का रेशियो वहां है। 9,000 लोग ऑन एवरेज क्वालिफाई करते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंसी और 1 लाख के करीब बच्चे उसमें अपीयर होते हैं। दोस्तों अब ये जो बच्चे जो अब सिलेक्शन नहीं हुआ ये कहाँ जाएंगे, आपने इनके बारे में सोचा ये कहाँ जाएंगे? जिनके माँ बाप ने कई कई लाख रुपए लगा के और उनको कोचिंग दिलाई और उनको रोज कहा कि आप इंजीनियर बनोगे, डॉक्टर बनोगे, IAS बनोगे और क्लैट में आपका एडमिशन होगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाओगे, जिस दिन उन बच्चों का रिजल्ट आता है उनके कदम घर की तरफ नहीं मुड़ते, और उस दिन बहुत सारे बच्चे वो कर जाते हैं जो कोई माँ बाप नहीं चाहता और जो बच्चा भी नहीं चाहता। पर बच्चे के पास फ्यूचर की कोई इमेज ही नहीं होती, उसको रोज बताया गया होता है कि आपने यही करना है, आप यही हो, यही आपकी सक्सेस है। उसकी दूसरी इमेज बच्चे की होती नहीं उसके पास, और उसका सबकॉन्सियस माइंड उसको अलाउ नहीं करता, और वो बच्चा मेंटल लेवल पर ब्रेकडाउन में आ जाता है क्योंकि अब उसके पास कोई इमेज नहीं है। और मैं ये बड़ी सच्ची बात बता रहा हूं, इस फैक्ट पर जो मैं आपको दिखा रहा हूं, एक दिन में 30 बच्चे जान गंवाते हैं इस देश में, हर 55 मिनट पर एक बच्चा जान गंवा देता है, और उसमें से मेजोरिटी में ये मेडिकल और IIT वाले हैं, मेडिकल और IIT वाले मेजोरिटी में, क्योंकि यहां कॉम्पिटिशन बहुत स्ट्रांग है, यहां रेशियो ज्यादा है। तो दोस्तों हम तो कम से कम तथा कथित सो कॉल्ड पढ़े लिखे लोग हैं, हम अपने बच्चों को बचाएं और हमारे आसपास के जो बच्चे हैं उनको इस समस्या से बचाएं। क्योंकि मैं आपको डेप्थ बता दूं, मैंने हजारों इंजीनियर्स को भर्ती किया है मेरी लाइफ में। आई वॉज हेड HR फॉर मल्टीनेशनल कंपनीज। मैंने 4 से 5 कॉरपोरेट में काम किया है जिसके MD और चेयरमैन ग्रेजुएशन नहीं थे, बट उनके अंडर में हम जैसे जाने कितनी डिग्रियां लिए लोग उनके इशारों पर नाचते थे, जाने कितने लोग इशारों पर नाचते थे। और जो लोग हम थे हम अपने काम से खुश नहीं थे, वहीं वो आदमी अपने काम से खुश था, उसके पास फ्रीडम था, जब चाहे ऑफिस आए, जब चाहे ऑफिस जाए, बट वी कुड नॉट डू दिस फॉर आवरसेल्फ। तो ये कोई पैरामीटर नहीं है कि इंजीनियर बनके आपका बच्चा IIT में जाने के बाद IAS बनके खुश हो, जब ये पैरामीटर ही नहीं है तो फिर मैं उस तरफ क्यों बढ़ूं, और जो पैरामीटर है मैं उसी तरफ क्यों नहीं जाऊं, वाई शुड नॉट आई गो दैट साइड। तो मैं इसमें एक चीज छोटी सी और बता दूं कि पूरे देश में 17,000 CBSE के स्कूल हैं, और 17,000 CBSE के स्कूल में अगर मैं ये कह दूं कि 10,000 स्कूलों में साइंस के
सेक्शन है, 10,000 साइंस के सेक्शंस में दोस्तों एक एक स्कूल में एक एक सेक्शन में फर्स्ट सेकंड थर्ड तीन बच्चे होते हैं, तो 30,000 बच्चे तो आपके सीधे सीधे ये निकल गए जो टॉपर हैं और जो कोचिंग करते हैं और जिनका सिलेक्शन होने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है। तो बाकी एवरेज बच्चे कहाँ जाएंगे? अब एवरेज बच्चे भी कोचिंग में, ये बच्चे भी कोचिंग में, तो बाजी कौन मारने वाला है? ऊपर के 1, 2, 3, 4। बाकी के 40 बच्चे जो क्लास में पढ़ रहे थे उनमें से 10% बच्चे अपनी जगह सिक्योर कर पाएंगे ऊपर इन घोड़ों के बीच में आके, बाकी सब पीछे जाने वाले हैं। और इसका फायदा कौन उठाने वाला है? ये जो सो कॉल्ड आपकी अकेडमीज हैं, कोचिंग्स हैं, यहां बैंकर पहुंचते हैं, आप अपने बच्चों को लेके जा रहे हैं, दिन रात बच्चा लगा हुआ है और आप गाड़ी कमाई इनको दे रहे हो और फिर भी आपको सक्सेस नहीं आ रही। मेडिकल में 3-3 साल बच्चे फेल होने के बाद काउंसलिंग के लिए हमारे पास आते हैं और वो कई कई बार सुसाइडल अटेम्प्ट कर चुके होते हैं, या वो तैयारी में होते हैं, डिप्रेशन में होते हैं, एंजाइटी होती है उनको, स्ट्रेस होता है उन बच्चों को, हेडेक रहती है उन बच्चों को, नींद नहीं आती उन बच्चों को, नशे के आदि हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो उस प्रेशर को उस कॉम्पिटिशन में नहीं झेल पाते। तो ये एक इंसाइट था जो बहुत निगेटिव है, हमें इससे बचने का तरीका क्या करना है कि कोई भी स्टूडेंट या पेरेंट्स कभी भी फेल होना प्लान नहीं करता, पर वो डिसीजन में फेल होते हैं, सही डिसीजन नहीं होता। तो अब आप सबको मैं एक बात बता दूं, बहुत ही सिंपल तरीका, सोफिस्टिकेटेड साइंटिफिक तरीका है कि कैसे हम बच्चों को, आज अगर आप ये सोचते होंगे कि सर जब ऐसे नहीं करना चाहिए हमें तो फिर हम क्या करें, व्हाट इज द राइट वे टू डिसाइड करियर। डिसाइड करियर जब आप करेंगे या डिसीजन लेंगे, 11th में जब बच्चा पहुंचेगा कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए, ये सबसे बड़ा चैलेंज होता है हमारे लिए, सबसे बड़ा चैलेंज। आज किसी बच्चे का मुझे फोन आया, किसी पेरेंट्स का, मेरे बच्चे का साइंस में एडमिशन करा दो। स्कूल ने टेस्ट लिया, स्कूल ने कहा वो फेल हो गया नॉन मेडिकल में, हम नहीं ले सकते। तो उन्होंने कहा कि फिर कॉमर्स में तो एडमिशन हुए, तो मैंने कहा कॉमर्स में हो जाएगा, बोला हम कॉमर्स में करा देंगे। अब आप देखिए, बच्चे को बिना पूछे पेरेंट्स ये डिसीजन ले रहे हैं कि वो साइंस में करा देंगे, कॉमर्स में करा देंगे, बच्चे को नहीं पूछा गया। अब यहां ही प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। तो अब डिसाइड करने का तरीका सही क्या है? बहुत सारे सिस्टम्स असेसमेंट के तरीके दुनिया में प्रचलित हैं, बहुत सारे लोग DMIT करते हैं, बहुत सारे लोग साइकोमेट्रिक करते हैं, बहुत सारे लोग कार्ल्स जंग करते हैं, यानी 2-3 पद्धतियां हैं, 2-3 सिस्टम्स हैं जिनसे बच्चे का असेसमेंट होता है। मैंने उन सबको स्टडी किया है और मैंने उसमें से, मैं किसी की बुराई नहीं करूंगा, पर जो चीज मुझे अच्छी लगी, जो मुझे अपील की, उसका साइंटिफिक ग्राउंड था, वो मुझे API असेसमेंट लगा, यानी साइकोमेट्रिक असेसमेंट, बच्चे का 10th पास करने से पहले या 10th पास करते इमीडिएट बाद बच्चे का असेसमेंट हो जाना चाहिए। मतलब 10th के लास्ट सेमेस्टर में, हाफ ईयरली के बाद, या 9th का हाफ ईयरली क्रॉस हो जाए उसके बाद भी किया जा सकता है। ये एक बार असेसमेंट उस बच्चे का हो, अब ये कहीं से भी कराओ आप, पर बच्चे का असेसमेंट होने के बाद फिर इसके रिजल्ट्स क्या होते हैं आप देखिए, मैं आपको बताने वाला हूं। इस असेसमेंट में हम 3 चीजें उसकी असेस करते हैं। 3 में सबसे पहला होता है उसकी एबिलिटीज, उस बच्चे में पैदा होने के बाद, और वाई हेरिडिटी, जीन्स में ऐसी कौन सी एबिलिटी है जिनमें वो स्ट्रॉन्ग है। और मैं आपको कमाल की बात बताऊं, मैंने करीब 80,000 बच्चों को गाइडेंस दिया है और मैंने उसमें से बहुत सारे बच्चों को, कई हजार बच्चे जिनको मैंने 1-on-1 दिया है, बाकियों को मैंने रिमोट दिया है या ग्रुप काउंसलिंग दी है। तो जो 1-on-1 बच्चा सामने बैठता है, तो मैंने देखा उन बच्चों में कोई ऐसा बच्चा मुझे नहीं मिला किसी भी राज्य में, चाहे वो पिछड़ा राज्य हो, चाहे वो पिछड़ी जगह हो, जिसमें कोई खूबी ना हो, जिसमें कोई एबिलिटीज ना हो, ऐसा एक बच्चा नहीं मिला। तो मेरा भगवान पर विश्वास बढ़ गया कि हे खुदा, हे ईश्वर, तूने आज तक धरती पर कोई बच्चा ऐसा नहीं भेजा जिसके पास कोई खूबी ना हो, कुछ स्पेशलिटी ना हो। तो वो स्पेशलिटी आपकी असेसमेंट में निकलती है दोस्तों, 5 तरह की होती है वो, जिनको एप्टीट्यूड या एबिलिटी बोलते हैं, और 5 में से पहला होता है
अंकों को कितना समझता है, कैलकुलेशंस को बच्चा कितना समझता है, और कितना इंटरेस्ट है उसमें, कितना कैपेबल है उनको वो, उनके साथ सहज कितना है, हाउ कंफर्टेबल ही इज। तो जितना कंफर्टेबल न्यूमेरिक एप्टीट्यूड में बच्चा होता है, उसके चांस होते हैं कि वो उसी डायरेक्शन के जितने करियर है उनमें सक्सेस होगा। जैसे किसी का न्यूमेरिकल अच्छा है, वो नंबर्स की कैलकुलेशंस अच्छी कर लेता है, तो वो बच्चा आईटी में जा सकता है, स्टैटिक्स में जा सकता है, मैथ्स में जा सकता है, फाइनेंस में जा सकता है, एक्चुरीज में जा सकता है, बैंकिंग में जा सकता है, क्योंकि यहाँ सारा नंबर गेम है। अब नंबर गेम से प्यार है और वो अच्छा है तो ही आप उसे इस फील्ड में भेजें। और अगर कोई नंबर से उसको, कुछ बच्चे जन्म जाती ऐसे लगते हैं जिनको गणित से डर लगने लगता है, आप इस फील्ड में अगर गलती से भी भेज दोगे दे विल नॉट गेट सक्सेस, क्योंकि उनको जन्म से ही फोबिया बैठा हुआ है और वो पूरी जिंदगी नहीं जाएगा, वो सक्सेस नहीं होंगे। तो आपको न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड बच्चे का चेक कर लेना चाहिए उसका 9th हाफ ईयरली के बाद, और 10th पास होने के बाद 11th में एडमिशन लेने से पहले। ये असेसमेंट बच्चे का बहुत जरूरी है। दूसरा वर्बल एप्टीट्यूड है। अब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बड़े तेज बोलते हैं, खूब बोलना उन्हें बड़ा पसंद है, चुप बैठते ही नहीं है, भले ही टीचर थप्पड़ मार दे थोड़ी देर बाद फिर शुरू हो जाते हैं, घर वाले डांट दें फिर शुरू हो जाते हैं। और कुछ ऐसे हैं कि आप उनमें खूब चाबी भरो, स्टार्ट ही नहीं होते, चुप ही बैठे रहेंगे। तो अब अगर जो बच्चा बहुत अच्छा बोलता है, अगर आप उसको जज बना दो, तो बच्चा बैठा 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 बीच में 10 बार उठ के जाएगा और इधर बोला उधर बोला इधर बोला उधर बोला, तो वो कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा। और वही बच्चा चुप रहने वाला हो, उसको बस कंडक्टर बना दिया जाए, तो आप सोचो जिस डिपो में उसकी ड्यूटी होगी वहां लॉस होगा ही होगा, क्योंकि उसको बोलना पसंद ही नहीं है। और वो कैसे कहेगा दिल्ली 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 दिल्ली, नहीं कह सकता। उस बच्चे को जर्नलिज्म में ले जाओ आप, वो कैसे बोलेगा, हेजिटेशन रहेगी। उस बच्चे को आप लॉयर बना दो जिसको बोलना अच्छा नहीं लगता, वो कैसे डिफेंड करेगा वहां जाके, कैसे वो अपनी केस फाइट करेगा, कैसे क्रॉस करेगा वहां, नहीं कर सकता। उस बच्चे को पॉलिटिशियन बना दो तो वो कैसे मोदी के सामने खड़ा हो सकता है, नहीं हो सकता। तो वर्बल एप्टीट्यूड अगर अच्छा है तो बच्चा एंकर बने, जर्नलिस्ट बने, राइटर बने, ऑथर बने, पॉलिटिशियन बने। पर अगर नहीं है, कम है, तो कोई बुराई नहीं है, बहुत से करियर हैं। साइंटिस्ट बने, एक ही जगह बैठ के काम कर सकता है, डॉक्टर बने, एक ही जगह बैठ के काम कर सकता है, ठीक है, और रिसर्चर बने, एक ही जगह बैठ के काम कर सकता है, जज बने, एक ही जगह काम कर सकता है, वर्बल एप्टीट्यूड। सेम वे अगर बच्चे में मशीनों से रिलेटेड, घर में छोटी मोटी चीजें, गाड़ी, साइकिल, मोटरसाइकिल, टॉयज, खिलौने, इनको तोड़ना, बनाना, इनके साथ एक्सपेरिमेंट करना, अगर बच्चे में ऐसा एप्टीट्यूड दिखाई देता है तो उसका मैकेनिकल एप्टीट्यूड हाई है, उसको साइंस और मैकेनिकल मैकेनिक्स की तरफ या इंजीनियरिंग की तरफ आप ले जा सकते हो, इफ अ चाइल्ड हैज मैकेनिकल एप्टीट्यूड। अगर नहीं है, फादर अगर मैकेनिकल है या फादर इंजीनियर है, तो जरूरी नहीं है कि बच्चे में वो एप्टीट्यूड हो, और नहीं है तो जबरदस्ती नहीं की जाए उसके साथ। बहुत सारे इंजीनियर्स को मैं जानता हूं, तो फादर इंजीनियर है, अब बेटी को भी इंजीनियर बनाना है और बेटी इंजीनियर बनने को राजी नहीं है, वो बच्चे प्रोटेस्ट नहीं कर सकते उस एज में, जबरदस्ती, एक तो बेटी है वो वैसे ही प्रोटेस्ट नहीं करेगी, और बेटी को इंजीनियरिंग पढ़नी पड़ रही है। अब आप सोचो वो बेटी इंजीनियरिंग पढ़ के, वो दिन रात जहां फैक्ट्रियों में काम करना पड़ता है इंजीनियर्स को प्रोजेक्ट पे, उसकी अपनी जिंदगी डिस्टर्ब होने वाली है, कोई जरूरी तो नहीं है उसको उसका 9 से 5 ड्यूटी मिलेगी। बहुत सी इंजीनियर लड़कियां शिफ्ट में काम करती हैं, आप सोचो, तो और अगर चॉइस से करती हैं तो वो कुछ अच्छा करेंगी वर्क प्लेस पे, अपनी जिंदगी में अच्छा करेंगी, कम से कम खुशी से तो करेंगी। और जो जबरदस्ती इंजीनियर बन जाए, वो जाने कितनी जिंदगियों को और खराब करना, और वहाँ रिस्क पैदा करना, वहाँ हैजार्ड पैदा करना, अपनी जिंदगी में हैजार्ड पैदा करना, अपना स्ट्रेस पैदा करना, ये हो सकता है। एक और एप्टीट्यूड होता है जिसको रीजनिंग एप्टीट्यूड कहते हैं। दोस्तों, रीजनिंग एप्टीट्यूड का मतलब है जहां सोच बहुत ज्यादा, डिसीजन पावर लेने की, क्रिटिकल एनालिटिकल आपकी जो पावर है, वो जैसे वकील,
वहां खड़े खड़े उसको क्या जवाब देना है किस बात का, मार्केटिंग वाले आदमी को कस्टमर ने क्या क्वेरी डाली उसको क्या जवाब देना है, किसी किताब में नहीं लिखा होता ये, बस वो रीजनिंग है आपने जो सीखा उसका क्विक रिप्लाई देना है और अच्छा रिप्लाई देना है, इन्फ्लुएंस करना है सामने वाले को। एंटरप्रेन्योर को कोई मुसीबत आ गई तो वो उस किताब में नहीं लिखा उस मुसीबत से कैसे निपटेगा, उसे वहां एक फॉर्मूला बनाना पड़ता है कि कैसे निकले। साइंटिस्ट अगर किसी का, जैसे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की अगुवाई में वो एक अग्नि वाला फेल हुआ था, तो उस टाइम पे अब उन्होंने फिर फॉर्मुलेट किया, वो उनकी जिम्मेदारी थी, रादर साइंटिस्ट बॉस थे उनके पास, पर वो डायरेक्शन देना उनका काम था, वहां रीजनिंग लगानी पड़ती थी, फाइनेंस में रीजनिंग लगानी पड़ती है। तो वो बच्चा इस फील्ड में अच्छा हो सकता है अगर उसकी रीजनिंग हाई है, और रीजनिंग लो है तो भी वो बच्चा जिंदगी में अच्छी जगह जा सकता है। कौन कौन से करियर रीजनिंग लो के हैं वो आपको हम बता सकते हैं। स्पेशल एप्टीट्यूड दोस्तों, स्पेशल का मतलब है नेचर से रिलेटेड, शेप से रिलेटेड, फिगर से रिलेटेड, पहाड़ों से रिलेटेड, सड़कों से रिलेटेड, या इन ऐसी चीजों से रिलेटेड जिस करियर में बच्चे का इंटरेस्ट है, डिजाइन में हो, आर्ट में हो, तो वो बच्चा डिजाइनर बन सकता है, आर्किटेक्ट बन सकता है, इंजीनियर बन सकता है, स्कल्पचर बन सकता है, फिल्म डायरेक्टर बन सकता है, एनिमेशन स्पेशलिस्ट बन सकता है, पायलट बन सकता है। तो ये पांच चीजें अगर आइडेंटिफाई कर ली ना हमने असेसमेंट में, तो आधा काम हमारा हो जाता है दोस्तों। और बाकी जो बचता है उसमें हमें क्या करना है, उस बच्चे की पर्सनैलिटी को जज करना पड़ता है। अब ये जो ये एप्टीट्यूड जज करते हैं, इसके लिए एक साइंटिफिक तरीका है। तीन साइंटिस्ट थे, CHC, कैरल हॉर्न कैटेल, कैटेल हॉर्न कैरल, तीन साइंटिस्ट थे, तीन साइकोलॉजिस्ट थे, तीनों ने मिलकर एक थियोरी बनाई और उस थियोरी के बेसिस पे बच्चों के ब्रेन की मैपिंग करके इसका असेसमेंट किया जाता है। बच्चों से बहुत सारे क्वेश्चंस डाले जाते हैं, फिर ऑब्जर्वेशन ली जाती है, तब जाके उन बच्चों के अंदर से वो निकलता है कि ये किस चीज में मजबूत है, किस चीज में मजबूत है। सो दैट इज वन थिंग दोस्तों। दूसरी चीज है पर्सनैलिटी। सेम वे एक बच्चा कितना एक्सपेरिमेंटल है, यानी वो थ्योरी में नहीं सोचता, वो करके सीखता है, तो डिपेंड करता है कि वो किस में सक्सेस होगा। अगर वो प्रैक्टिकल है तो फाइनेंस, सेल्स, मार्केटिंग, एक्चुअरीज, इनमें। और अगर वो थ्योरी में हो, इमेजिनेटिव हो, तो बच्चा आर्टिस्ट अच्छा बन सकता है, एक्टर अच्छा बन सकता है, पोइट अच्छा बन सकता है, राइटर अच्छा बन सकता है, साइंटिस्ट अच्छा बन सकता है। वहीं बच्चे की एक पर्सनैलिटी ट्रेट होती है इंटरपर्सनल, दूसरों के साथ कैसा व्यवहार है उसका। दोस्तों अगर वो इंट्रोवर्ट है, अंदर ही अंदर सोचता ज्यादा है, बोलता कम है, वो राइटर बनेगा, रिसर्चर बनेगा, पेंटिंग आर्टिस्ट बनेगा, अकाउंटेंट बनेगा, तो ज्यादा खुश रहेगा, ज्यादा सक्सेस होगा। अगर उसको बोलना बहुत पसंद है, लोग चाहिए उसको बोलने के लिए, तो वो क्या बनेगा, टीचर अच्छा बन सकता है, सेल्स एंड मार्केटिंग का प्रोफेशनल बन सकता है, पॉलिटिशियन बन सकता है, या फिर दोस्तों वो पब्लिक रिलेशन मैनेजर बन सकता है, जहां पब्लिक रिलेशंस या दूसरों के साथ इंटरेक्शन हो, कंडक्टर भी बन सकता है क्योंकि उसको इंटरपर्सनल चाहिए, लोगों से बात करने को चाहिए। इमोशनल ओरिएंटेशन एक और ट्रेट होती है। इमोशनल ओरिएंटेशन में क्या होता है कि भावनात्मक रूप से कितना स्ट्रांग है। अब एक डॉक्टर बन गया बच्चा और कोई चोट खा के खून बहता हुआ आ गया, उसकी हड्डियां टूट गई, और ये बच्चा भावनात्मक भावुक हो गया, भावुक हो गया, वो डॉक्टर उसके ऑपरेशंस कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। अगर बच्चा इमोशनली स्ट्रांग है, डॉक्टर बन सकता है, फायर फाइटर बन सकता है, आर्मी में जा सकता है, डिफेंस में जा सकता है, मैनेजर बन सकता है, पुलिस में जा सकता है, एडमिनिस्ट्रेटर बन सकता है, सिक्योरिटी पर्सनल है, क्योंकि वहां उसको वो सामने ऐसी भावनाएं हिलाने वाले ऐसे दृश्य आएंगे और उनमें वो मजबूत और तटस्थ खड़ा रहेगा, तो ही वो एक अच्छा प्रोफेशनल होगा। और अगर इमोशनली कमजोर हुआ तो समाज सेवी बन सकता है, बहुत सारे काम है। अगर इमोशनल लेवल पे आप हल्के हो तो ये कोई बुराई नहीं है, बहुत सारे काम समाज में ऐसे हैं कि अगर इमोशनल लेवल पे बच्चा कम है तो उसको वो काम दिए जाएं। जितने भी NGOs हैं, जितने CSR हैं, वो सब इमोशनली जो थोड़ा बॉटम कम होता है वो बच्चे उसे बहुत अच्छी तरह चलाते हैं, दूसरों की भावनाओं को समझ पाते हैं। वहीं आप पुलिस वाला दूसरों की भावना समझता है क्या? बिल्कुल नहीं। आपको जल्दी जाना है, चालान मत करो, वो का देख के जा, 500 रुपए फालतू लेगा। एटीट्यूडनल ओरिएंटेशन, मैं 500 रुपए फालतू का मतलब मैं चालान की बात कर रहा था। एटीट्यूडनल ओरिएंटेशन का मतलब है कि बच्चे का एटीट्यूड कैसा है। वो टफ एटीट्यूड है, यानी किसी के साथ झुकना नहीं है, कॉम्पिटिटिव है, दूसरों से लड़ाई लड़नी है और किसी की हेल्प नहीं करनी, तो वो सेल्स, मार्केटिंग, फाइनेंस में, बिजनेस में सक्सेस होगा। और अगर बच्चा जनरस और कोऑपरेटिव है तो वो बच्चा कॉम्पिटिशन में आगे नहीं जाता, जनरस और कोऑपरेटिव
सारे कंपटीशन अच्छी तरह नहीं लड़ पाते, वो दूसरों पर दया कर देते हैं। तो दया अगर आती है तो बच्चा टीचर, काउंसलर, सोशल वर्कर, डॉक्टर बन सकता है। कॉन्सियसनेस ओरिएंटेशन का मतलब होता है कितना केयरफुल है बच्चा काम के लिए, कितना मैनेज्ड है, कितना ऑर्गेनाइज्ड है। जितना ऑर्गेनाइज्ड होगा उतनी अच्छी लीडरशिप में जा सकता है बच्चा। अगर वो कॉन्सियसनेस उसकी अच्छी है, कॉन्साइंसियसनेस बोलते हैं इसको, ये अच्छी है तो वो बच्चा किसी भी करियर में टॉप के पोजीशंस पे प्ले कर सकता है। और अगर ये हल्की है, वो अनऑर्गेनाइज्ड है, फोकस्ड नहीं है और केयर नहीं करता, तो बच्चा उतना सक्सेस नहीं होगा। तो ये पर्सनैलिटी के ट्रेट हम बहुत आसानी से जज कर लेते हैं। और तीसरा हमारा जो एपीआई में जो आई वाला फैक्टर है वो इंटरेस्ट फैक्टर है दोस्तों। और ये इंटरेस्ट जो है हमारा जज होता है, एक और थियरी है, इसको हम हॉलैंड फॉर्मूला बोलते हैं साइकोलॉजी में। और हॉलैंड फॉर्मूला क्या कहता है कि पूरी दुनिया के जितने लोग हैं वो 6 कैटेगरी के इंटरेस्ट रखते हैं। हर आदमी उनमें से किसी एक पर्टिकुलर कैटेगरी का अच्छा होगा, या कुछ कैटेगरीज में अच्छा होगा, कुछ में लो होगा। तो जिस कैटेगरीज में वो अच्छा इंटरेस्ट हो उनमें वो ज्यादा सक्सेस होता है। जैसे रियलिस्टिक का मतलब है जो लोग खुद अपने हाथ से काम करते हैं, बिल्कुल यथावत। अपने हाथ से काम करोगे तभी तसल्ली होगी। ऐसे लोग इंजीनियर बन सकते हैं, आर्किटेक्ट बन सकते हैं, पायलट बन सकते हैं, मिलिट्री ऑफिसर बन सकते हैं, फॉरेस्टर बन सकते हैं। ऐसे लोग बहुत ऊपर तक नहीं जाते क्योंकि वो खुद हाथ से काम करने में ही रहते हैं, लोगों से काम कराने में थोड़ा पीछे रहते हैं। इन्वेस्टिगेटिव दूसरा है। इन्वेस्टिगेटिव का मतलब है जो बाल की खाल निकाल लें। अगर ऐसा इंटरेस्ट किसी का है तो वो इन करियर्स में जा सकते हैं, इकोनॉमिस्ट बने, लॉयर बने, इंजीनियर बने, रिसर्च एनालिस्ट बने, साइकोलॉजिस्ट बने, फिजिशियन बने। इनमें इन्वेस्टिगेशन की जरूरत पड़ती है दोस्तों। और तीसरा आर्टिस्ट यानी कलाकार। अगर बच्चे में कोई कला है तो आपको उसको कला के किसी आयाम से जोड़ना चाहिए या उसको मोटिवेट करना चाहिए कि वो कला के आयाम में जो उसकी पसंद का हो, जिसमें वो अच्छा करता हो, उससे जोड़े। वो वहीं सक्सेस होगा, वहीं सुखी रहेगा, वहीं जिंदगी सफल रहेगी उसकी। दूसरा सोशल। चौथा जो इंटरेस्ट का आयाम होता है वो सोशल होता है, यानी कितना सामाजिक है बच्चा, दूसरों की बात कितनी आसानी से समझता है, दूसरों पर दया कितनी करता है, सहयोग कितना करता है। अगर ऐसा बॉटम बच्चे में है, ऐसा इंटरेस्ट बच्चे में है, तो वो बच्चा काउंसलर, सोशल वर्कर, टीचर, नर्स, थेरेपिस्ट, एनजीओ, ये सब काम में से कोई एक काम करे तो वो ज्यादा सक्सेस होगा। वहीं एक और इंटरेस्ट होता है एंटरप्राइजिंग, यानी जहां वो बच्चा बड़ी मजबूती से खुद को प्रूव करता हो और दूसरों को साथ लेके चलता हो, दूसरों को मोटिवेट करता हो, आगे बढ़ता हो, इनिशिएटिव लेता हो, तो ऐसा बच्चा लीडर बनता है, चाहे जिंदगी के जिस क्षेत्र में हो। मैनेजर बन सकता है, सेल्स हेड बन सकता है, मार्केट एनालिस्ट बन सकता है, एंटरप्रेन्योर बन सकता है, फौजी अफसर बन सकता है, पुलिस अफसर बन सकता है, आईएएस बन सकता है, पीसीएस बन सकता है, एसडीएम बन सकता है। ये सब एंटरप्राइजिंग जॉब है क्योंकि यहाँ लीड करना पड़ेगा आपको टीम को, लोगों को, तो उसके लिए एंटरप्राइजिंग इंटरेस्ट आपका होना चाहिए। अगर एंटरप्राइजिंग इंटरेस्ट नहीं है तो आप डिसीजन नहीं ले सकते। ये एक बड़ा मुद्दा है इंटरेस्ट फैक्टर का। उसके बाद दोस्तों एक कन्वेंशनल होता है। कुछ लोग होते हैं कि जिनको आप काम बता दो वही काम करेंगे, नया कुछ नहीं करेंगे। जैसे एक कैशियर कहीं से कुछ बिल जमा कर रहे हैं और 5 बज गए और आपका काउंटर पे नंबर 5:02 पाया, अब आप कितना ही सर खपा लेना वो आपकी बात नहीं मानने वाले। मेरे घर में कोई बीमार है भाई, मुझे आज बिल जमा कराना है, वो बिल्कुल नहीं सुनेगा क्योंकि वो कन्वेंशनल है, क्लरिकल जॉब है, जो नियम रूल बुक बताई गई है वो उसी को फॉलो करेगा, अपनी तरफ से कोई डिसीजन नहीं लेगा। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो काम बता दो उसको उसी को शिद्दत से करेंगे, दूसरा काम नहीं करेंगे। और कुछ लोग ऐसे हैं कि जो बताओगे उसमें कुछ अपना दिमाग लगा के कुछ अच्छी तरह क्रिएटिव कर देंगे, तो वो बच्चे जो है वो जो कुछ दिमाग लगा के अपना कर देते हैं वो आर्टिस्टिक्स कहलाते हैं। और कन्वेंशनल और आर्टिस्टिक्स दोनों एक दूसरे के धुर विरोधी हैं, अपोजिट हैं। तो कन्वेंशनल क्लर्क बनते हैं, बैंकर बनते हैं, फाइनेंशियल एक्सपर्ट बनते हैं, डेटा एनालिस्ट बनते हैं, क्रेडिट मैनेजर्स बनते हैं, जो बैकग्राउंड में बैठ के जो बताया जाए वही काम करते हैं। ऐसा इंटरेस्ट अगर बच्चे का है तो आप उसे कन्वेंशनल में भेजें। तो दोस्तों ये 3 तरीके थे। अब इन 3 तरीकों के आधार पर हम क्या करते हैं कि हर बच्चे को एक टेस्ट देते हैं। पहले उस बच्चे को समझाते हैं कि इस टेस्ट का जवाब आपको कैसे देना है। एक ही क्वेश्चन को हम अलग अलग एंगल से कई बार पूछते हैं बच्चे को, बीच बीच में डाल के,
ताकि वो बच्चा एक बार में अगर कहीं गलत जवाब दे दे तो हम उसकी जिंदगी के लिए जो बताने वाले हैं वो कहीं ऐसा ना बता दें जिससे उसकी गलत राह पे, गलत पाथवे पे उसका करियर चला जाए। तो एक एक क्वेश्चन को कई कई तरीके से, कई एंगल से पूछ के फिर उस बच्चे के मन में से हम बाहर निकालते हैं कि वो उसका इंटरेस्ट क्या है, उसकी पर्सनैलिटी कैसी है, उसकी एबिलिटीज़ क्या हैं, और फिर उसकी फैमिली से बात की जाती है कि फैमिली क्या चाहती है, उसका फैमिली का स्ट्रक्चर क्या है, उसकी फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, और उस इलाके में एजुकेशन के कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं। जब ये सारी चीज़ें इकट्ठी करते हैं फिर उसको असेस करते हैं, असेस करने के बाद दोस्तों तब पता चलता है हमें कि ये बच्चा जिंदगी में किस करियर में सक्सेस होगा। और वो असेसमेंट करने के बाद मैं आज आपको एक रिपोर्ट दिखाऊं। सत्या समय है, मैं दोस्तों आपको एक रिपोर्ट दिखाने वाला हूं कि ऐसा होने के बाद वो टेस्ट, वो रिपोर्ट कैसी दिखाई देती है। सत्या, मेरा स्क्रीन आपको दिखाई दे रहा है? यस सर, विजिबल है सर। ये एक रिपोर्ट है दोस्तों, मैं इसको और बड़ी करके दिखा रहा हूं आपको, बिल्कुल स्लो चलूंगा। इंडिया में बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो ये असेसमेंट करती हैं, पर ये कंपनी एक बहुत अच्छी कंपनी है जिनके साथ मैं जुड़ा हूं, और इनका ये असेसमेंट टेस्ट जब हम करते हैं तो ये करीब 1.5 घंटा लेता है, और उसके बाद जो रिजल्ट आते हैं बहुत खुशी होती है कि जिसे हम भाग्य कहते हैं वो फैक्ट्स में कैसे कन्वर्ट होता है। ये एक स्कोर आपको दिखाई देता होगा, एक बच्चे का स्कोर है ये। तो मैंने जब इसका असेसमेंट किया तो आप देखें कि इस बच्चे का न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड 3 है। अगर दोस्तों न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड बच्चे का 5 से कम आता है तो आप कभी भी उसको मैथमेटिक्स वाला विषय या मैथमेटिक्स बेस्ड सब्जेक्ट या करियर आप उसको ना चूज करें। बच्चा खुद भी नहीं करेगा, वो खुद अपने आप बता देगा, उसके 10th के मार्क्स बता देंगे कि उसका न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड कैसा है। तो न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड अगर 5 से अच्छा है तो उसके मार्क्स 50-60 से अबव आते हैं उसके रिजल्ट में, और यहां ये न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड अगर 4 से नीचे आ रहा है, 5 से नीचे आ रहा है, तो आप उसको मैथमेटिक्स बेस्ड करियर नहीं चूज कराना। तो ये अकेला ग्राफ अगर एप्टीट्यूड का मिल गया आपको तो आप खुद ही बता सकते हो कि उस बच्चे को नॉन मेडिकल 11th में नहीं दिलाना। वहीं इसकी दूसरी बात है कि 5 से ऊपर है तो आप दिला सकते हो। अब इस बच्ची का सबसे स्ट्रॉन्ग पार्ट देखें, रीजनिंग है, यानी लॉजिकल रीजनिंग, लॉजिकल एप्टीट्यूड इसका इतना स्ट्रॉन्ग है कि डिसीजन लेने में बहुत अच्छी है, बहुत जल्दी ये डिसीजन लेती है, अच्छे डिसीजन लेगी क्योंकि इंफॉर्मेशन को जल्दी प्रोसेस कर पाता है इसका ब्रेन, और इसका बर्बल बहुत अच्छा है। तो जो बोल अच्छा सकता है बच्चा, सोच अच्छा सकता है, वो लीडरशिप रोल्स में जाएगा, बड़े लेवल की जॉब्स में या बिजनेस में ये बच्चा सक्सेस होगा। तो इस बच्चे को हम क्या पढ़ा सकते हैं? इस बच्चे को हम पढ़ा सकते हैं कॉमर्स पढ़ा सकते हैं। इस बच्चे को हम और क्या पढ़ा सकते हैं? देखें, मैकेनिकल में ये हाई है, यानी इसका मैकेनिकल एप्टीट्यूड अच्छा है, बट न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड लो है। मैकेनिकल अच्छा, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड लो है। पर नॉन मेडिकल पढ़ने के लिए आपको क्या चाहिए? न्यूमेरिकल मैकेनिकल दोनों अच्छे चाहिए। ये बच्चा आपका मैकेनिकल है, यानी साइंटिफिक एप्टीट्यूड हाई है बट मैथ्स कम है, तो ये बच्चा मेडिकल की पढ़ाई भी कर सकता है, यानी बायोलॉजी पढ़ सकता है, बायोलॉजी सब्जेक्ट्स के साथ ये साइंस पढ़ सकता है। बहुत क्लियर हो रहा है इन 4-5 ग्राफ के डंडों से आपको क्लियर हो रहा है कि बच्चा 11th में क्या ले सकता है। और इसके लिए आपका काउंसलर होना बिल्कुल जरूरी नहीं है, आप असेसमेंट कहीं से भी कराओ, किसी से भी जो आपके शहर में अवेलेबल हो, पर आप खुद ही जज कर सकते हो कि असेसमेंट अच्छा हुआ है तो आप बच्चे के लिए 11th और करियर आप खुद डिसाइड कर सकते हो। वहीं स्पेशियल का मतलब है वो कितना आर्ट में है, कितना गेम्स में है, नेचर के साथ, शेप्स के साथ, डिजाइन के साथ उसका कैसा कम्फर्ट है, यहाँ उसका कम्फर्ट अच्छा है तो ये बच्चा नेचर में, गेम्स में, आर्ट्स में भी अच्छा पक्का निकलेगा। और ये था जब मैंने उसको असेस किया तो ये मुझे पाया गया। वहीं दोस्तों ये उस बच्चे के पर्सनैलिटी के एप्टीट्यूड हैं, यहां इसकी पर्सनैलिटी है। तो ये पर्सनैलिटी, बच्चा बहुत फोकस्ड है, बहुत ऑर्गेनाइज्ड है, और इसको हमने नीचे लिखा है कि ये ऑर्गेनाइज्ड है तो किस किस चीज में सक्सेस हो सकता है। उसके बाद ये बच्चा
बाकी दूसरे पर्सनैलिटी एप्टीट्यूड्स में एवरेज है, बाकी चारों में एवरेज निकला है। अगर इंटरेस्ट प्रोफाइल को हम इसको जज करें तो ये देखिए क्या बेहतरीन इंटरेस्ट प्रोफाइल है इसका। इसमें सबसे ज्यादा, मैं इसका साइज थोड़ा कम करूं तो आप पूरा देख पाए, सत्या पूरा दिखाई दे रहा है? हाँ बहुत सही सर। इस बच्चे का सोशल सबसे अच्छा है, यानी ये अपने प्लेट की रोटी भी किसी को दे दे भूखे को, इतना काइंड हार्टेड बच्चा है ये। तो ऐसा काइंड हार्टेड बच्चा आप आर्मी का ऑफिसर नहीं बन सकता, वो दुश्मन को मरते देखकर पिघल जाएगा। तो ये बच्चा लीडरशिप में तो जाएगा बट सोशल हेल्प और सोशल वेलफेयर की लीडरशिप में ये बच्चा ज्यादा जाएगा। एंटरप्राइजिंग है क्योंकि लीडरशिप प्ले रोल प्ले करेगा। 9 आ रहा है इसका एंटरप्राइजिंग, आईएएस कर सकता है। जी आईएएस कर सकता है ये, तो आईएएस कर सकता है 100% आईएएस कर सकता है। और इस बच्ची ने आईएएस, मैंने मुझे पता चला है कि इस बच्ची ने आईएएस के लिए फाइट किया है और अभी इसने जो हमारी बच्चियों के लिए अभी कमीशन खोला है जो हमारी मिलिट्री सर्विसेज में, इसने कमीशन पास कर लिया वहां। सर मैं एक चीज ऐड करूं, मैं इसको कंप्लीट कर दूं बस एक मिनट में। इसने कमीशन पास कर लिया और घर वालों ने बड़ी खुशी मनाई कि वो कमीशन में मिलिट्री में जाए, बट इस बच्चे ने मना कर दिया कि मुझे आईएएस जाना है, मैं मिलिट्री में नहीं जाना। मुझे क्यों नहीं जाना? आप ये देखेंगे कि इसका सोशल टैन है, इसलिए ये वहां नहीं गई। मतलब इतना होने के बावजूद भी इस बच्चे ने वो चूज नहीं किया। और इसका सबसे ऊपर देखेंगे कन्वेंशनल इसका 5 है, बहुत एवरेज कन्वेंशनल है। यानी ये दकियानूसी बातें, जो ट्रेडिशनल बातें हैं जिनमें कोई साइंटिफिक फैक्ट नहीं है, जिनमें कोई लॉजिक नहीं है, वो एक भी बात ये बच्चा नहीं मानेगा, चाहे पेरेंट्स मनवाएं, चाहे इसके कोई पीयर्स मनवाएं, चाहे स्कूल, ये बिल्कुल नहीं मानना इसको। अगर कन्वेंशनल लो है तो वो बच्चा आपकी कही सुनी बातें पूरी की पूरी बिना अपने लॉजिक पर, अपनी कसौटी पर कसे, वो आपको नहीं मानेगा। तो इस बच्चे में दो चीजें बहुत अच्छी हैं, आर्टिस्टिक्स थोड़ा अच्छा है। मैं सत्य 2 मिनट लूंगा फिर आपको कंटिन्यू कराने देता हूँ ये। अब ये तीनों चीजों को जब हम ओवरलैप करते हैं दोस्तों, तो देखो कितना बढ़िया। हर एक करियर की अपनी पर्सनैलिटी की डिमांड है, हर एक करियर की एप्टीट्यूड की डिमांड है, हर एक करियर में आपका इंटरेस्ट की डिमांड है। अगर इन तीनों चीजों को मैप करें तो ये बच्चे का इसका कॉम्बिनेशन निकलता है। असेसमेंट के बाद ये बच्चा मास कम्युनिकेशन में जा सकता है, ह्यूमैनिटी में जा सकता है, सोशल साइंस में जा सकता है, सेल्स एंड मार्केटिंग में जा सकता है, एजुकेशन एंड टीचिंग में जा सकता है, बिजनेस मैनेजमेंट में जा सकता है। ये 5 फील्ड इसके पास जो टॉप के हैं उनमें जा सकता है, नीचे के 5 में हम नहीं अलाउ करते। ऊपर के 5 फील्ड मिल गए, 5 पाथवेज में से कोई एक चूज कर ले बच्चा और पेरेंट्स मिलकर, और वो बच्चा खुशी खुशी अपनी जिंदगी पढ़ाई करेगा। उसमें उसके कॉम्पिटिशन नहीं होंगे, उतने कॉम्पिटिशन नहीं होंगे, और होंगे भी तो क्योंकि वो बाई चॉइस जा रहा है। जो बच्चा बाई चॉइस जा रहा है वो अपने काम को बहुत शिद्दत से बार बार करेगा, और बार बार करेगा तो उसके कॉम्पिटिशन में बाकी लोग जो बिना मर्जी के आए होंगे वो उसके कॉम्पिटिशन में कहीं नहीं टिकेंगे दोस्तों। तो अब मैं आपको बता दूं कि जो आपने 38 करियर शुरू में मुझे बताए थे, ऐसे कम से कम 485 करियर हैं जो हमारे देश में हैं। हमारे देश में 485 करियर हैं जिनमें से बच्चा किसी भी फील्ड को चूज कर सकता है। तो उस 485 में से ये बच्चे के साथ जितने भी कॉम्पेटिबल करियर हैं वो रिपोर्ट बनती है असेसमेंट में, साइंटिफिक असेसमेंट में। ये कोई फिंगरप्रिंट असेसमेंट नहीं है कि अंगूठा देखा या पत्रा देखा या कुंडली देखी और बता दिया कि ये बच्चा आईएएस बन जाएगा। नो, नॉट एट ऑल। अगर कोई ऐसा करता है तो रोकना उसे, बच्चे की जिंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं करने देना। आपको उसका साइंटिफिक एक्सेस कराना पड़ेगा, एक असेसमेंट कराना चाहिए जिससे बच्चे को दूध का दूध और पानी का पानी उसके अंदर से निकले और वो बच्चा खुशी खुशी अपने करियर पर आगे बढ़े। तो अब सत्या मैं ये आपको चार्ज देता हूं, पर इसमें से अगर तो किसी कुंडली से बढ़िया, लक्ष्मण जी कह रहे हैं भाई ये तो कुंडली से बढ़िया है, धन्यवाद सर। हो सकता है असेसमेंट में आपको एक पॉइंट लो लगे कम लगे, पर ध्यान रखिए आपके बच्चे जो हैं उनमें 2-3 करियर में स्पेशलिटी, मतलब दो, जैसे सर ने टॉप बताया कि उसके 3 पॉइंट बड़े स्ट्रांग थे। तो ध्यान रखना आपका जो बच्चा है वो एक कैरियर का नहीं हो सकता हमेशा, आपने मल्टीपल उसमें चीजें एक्स्ट्रा हो सकती हैं। तो मेक श्योर कि आप उन तीनों जो टॉप के सर ने बताया कि वो लड़की जो है वो टॉप 3 में आप इंटरेस्ट ले सकती है आराम से, तो उसमें आप उनको प्रेफर कर सकते हैं। और उससे बड़ी बात है जो मैं नोट करना चाहता हूँ,
कि बहुत सारे पेरेंट्स में देखा है कि किस फील्ड में पैसा ज्यादा है, ये किस चीज में रुतबा ज्यादा है, इन सबको आप लाइन में रख दीजिए। मैं एक रियल स्टोरी शेयर करता हूँ। क्लास 12th पे मेरे पास एक इंग्लिश टीचर थे, सुब्रमण्यम सर, एंड उनके दो बेटे, एक बेटी थी एक बेटा था। बेटे की शादी होगी, बेटा भी US में है, ठीक है। और मेरे पास एक महीने पहले कॉल आया, ही इज 72। तो मैं कहा, बेटा कहाँ है सर? कि अमेरिका में है। तो कहते, मैं हैप्पी नहीं हूँ, मैं खुश नहीं हूँ, क्योंकि मेरा बेटा मेरे पास नहीं है, मेरी बहू मेरे पास नहीं है। मैंने पैसा लगाया, सब चीज़ किया, उसने IIT निकाली, बट आज मेरे का जो प्यून आता है, ही इज़ हैप्पी, उसकी फैमिली उसके पास है। तो ध्यान रखना, आपका बच्चा केवल आपका है, वो स्टेटस की चीज नहीं है कि मेरा बेटा IAS बन गया, IPS बन गया। भाई साहब, जो आप बीमार पड़े होंगे, बिस्तर पर पड़े होंगे, तो अमिताभ बच्चन के पास केवल उसकी बहू है, बेटा ही आएगा, कोई फैन नहीं आएगा, क्योंकि सेवा कर ले जो उसकी। ध्यान दें कि आपका बच्चा केवल आपका है, वो आपकी हेल्प करता है, आपकी मदद करता है, आपके उस समय में जब दुनिया का कोई व्यक्ति नहीं आ पाता। तो मेक श्योर, जब मैं बीमार हुआ था, यकीन करोगे, मेरे बड़े नोन से नोन लोगों ने मेरे फादर की फाइनेंशियल हेल्प नहीं की थी। तो मैंने सोचा, यार दुनिया के लिए मैं क्यों जो क्यों सोचूं, दुनिया क्या सोच रही है, मैं वो करूंगा जो मुझे अच्छा लगेगा, दुनिया कुछ भी कहे। तो मेक श्योर आपका बच्चा आपका है, तो मीन चरित्र निर्माण पे फोकस ज्यादा रखें साहब, करियर तो आप बाद में आ ही जाएगा। तो ये चीज ध्यान रखना, आपका बच्चा आपका, आपका लाल है लाली है, वो सबसे बेस्ट है आपके लिए सर। वो कुछ भी बने, वो रेडी वाला बने या मर्चेंट नेवी बने या एंटरप्रेन्योर बने, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। हो सकता है चार लोग आपको ज्यादा पूछेंगे, चार लोग ज्यादा जानेंगे, पर ध्यान रखें आपका बच्चा आपका है। चीज ध्यान रखें, कई बार ये पेरेंट्स समझ नहीं पाते हो, यकीन नहीं करोगे सर, बच्चों बच्चों पर आज से इतना स्ट्रेस है। आप देखिए क्लास 12th का बच्चा साइंस का, मेरे पास दो केस बता रहा हूँ मैं आपको, एक बेटे का नाम शिवानी था, एक का नाम शिवम था। उन दोनों बच्चों को सुबह 6 बजे उठना, शाम को 3 बजे स्कूल से आना, उसके बाद ट्यूशन जाना, शाम को 7 बजे आना, रात तक उसका होमवर्क करना। भाई साहब, 2 साल लग रहे तभी IIT में सिलेक्शन नहीं हो पाया, 2 साल। आप देखिए, स्कूल में भी जा रहा है, वहां बैठा है, वहां हिल नहीं सकता। आप तो जॉब में जाएंगे, वहां हिल सकते हैं, घूम सकते हैं, मेक श्योर। पर मेक श्योर, आप देखिए बच्चों पे इतना स्ट्रेस है, आप समझ पा रहे मेरी बात, जो मैं क्लियरली बताना चाहता हूँ। तो जो बच्चा हर कर रहा है, उसकी आग की भट्टी मेहनत धकेले, आपका बच्चा आपका है, वो कुछ भी बने, ठीक है, मैं कुछ भी बने बता रहा हूँ मैं आपको। तो उस कुछ भी बने में उसको एक्सेप्टेंस दीजिए, वो पुश होता है ना, भाई तू ये बन, ये बन। नहीं, समाज में हर एक प्रोफेशन की जरूरत है सर, हर एक प्रोफेशन की। आर्मी अगर अफसर होगा ना, अफसर से ज्यादा रोल होता है ना, वो जवान का होता है, ठीक है। हो सकता है आपको जवान लिए वैल्यू कम है। तो सोशल जो एक्सेप्टेंस होती है कि रुतबा या लोग पहचाने मेरे बेटे को, ये नहीं, वो सब भूल जाइए। मेरे एक भाई जो गुजर गया, वो कहता था, एक बार हम लोग जा रहे थे, जिसने सुसाइड के लिए बताया था मैंने आप लोगों को, तुम जा रहे थे, उसने कब्रिस्तान देखा है, कभी वो देखो ने क्या है, वो जगह है जहाँ सब लोग जाते हैं, कोई नहीं पूछता कि तुम टाटा थे, बिरला थे, अंबानी थे। वो लाइफ जीना, हर पल जीना, लाइफ बच्चों को ना जीना सिखाइए, वो सबसे बड़ी कला है। करियर के साथ साथ जीना सिखाना, लाइफ आजकल आप देखिए, लोगों पास सब साधन है, सब चीजें हैं, पर एक चीज नहीं आती, उनको जीना नहीं आ रहा, उनको लाइफ जिंदगी कैसे जीनी वो नहीं आ रही। तो जब आप ये जब करियर का चुनाव करें, तो ये मन से आप निकाल लीजिए कि बगल वाला बच्चा इंजीनियर है और मेरा बच्चा प्यून है। वो इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स हमेशा के लिए फेंक के बाहर रख दीजिए। आपका बच्चा है, और जिंदगी में 4 सुख बताए गए हैं हमारे वेदों में। पहला सुख, हमारे बॉडी में कोई डिसीज ना हो। दूसरा सुख, आप इतना कमाए कि लोगों को कुछ आपको मांगना ना पड़े, आप दे सकें। तीसरा सुख, आपकी घरवाली सुशील हो या घरवाला सुशील हो, आपको समझे। चौथा सुख है, बताऊं मैं आपको, कि आपके बच्चे आपकी बात माने और आज्ञा पालन करें। ये 4 हैप्पीनेस हैं। और इस हैप्पीनेस में ये जो आपके जो अंबानी साहब है, उन पास एक हैप्पीनेस नहीं है, उन पास अच्छी हेल्थ नहीं है। सोच पा रहे हैं, बताओ, हेल्थ नहीं है, वो मोटे काफी। तो ये आप करोड़पति से करोड़पति, आपके बहुत बड़े से अच्छे से इंसान के पास ये 4 सुख नहीं है। तो कोशिश कीजिए कि बच्चों को करियर के साथ साथ
लाइफ जीना कैसे सर वो सिखा दीजिए, ये लाइफ का मंत्र रहेगा आपके लिए ये बहुत ज्यादा। अगर आपने लाइफ जीना सिखा दिया तो आप उसको स्ट्रेस नहीं दोगे, उसको पुश नहीं करोगे। मैं अक्सर देखता हूँ 95% पेरेंट पुश करते हैं बच्चों को, ठीक है 95, मैं हो सकता आप में से बहुत लोग हों उसमें। तो इस चीज के बारे में ध्यान रखिए उसकी कैपेबिलिटीज का। आप कमर्शियल एंगल से कभी मत लगाइए कि कितना तुम कमा रहे हो, ठीक है कितना आप कमा रहे हो, किस औहदे पे हो, वो औहदा आपके काम नहीं आएगा जब आप बिस्तर पे पड़े होगे, जब वृद्धावस्था में जा रहे होगे। और कई बार मैं देखता हूँ जब ओल्ड एज होम में एक बार विजिट करने गया था, एक पेरेंट के चार बेटे, चारों ने घर से निकाल दिया, आप ओल्ड एज होम में पड़े हुए। तो ध्यान रखना आप बच्चों को पाल रहे हो, बच्चों पे खर्च कर रहे हो, बच्चों के लिए एफर्ट कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? क्योंकि सबसे बड़ा स्वार्थ आपका है कि आपका बच्चा, आपका बेटा बेटी आपके बुरे समय में आपका साथ दें, आपको हमेशा उंगली पकड़ के चलें जब उस स्टेज पे हो जब आपको जरूरत हो। पहला मोटिव आपका ये होना चाहिए, ये की लर्निंग आप लेके जाएं यहाँ से जो आपको लॉन्ग टर्म काम आए। इसी के साथ ये सेशन हम खत्म करते हैं। आप में से किसी को सुझाव हो प्लीज हमें कमेंट में लिखें, सर आपको वहां से अनम्यूट कर देंगे, हमें बड़ा अच्छा लगेगा। हमने क्या किया है पिछले 3-4 दिन से हम लोगों को ज्यादा अलाउ नहीं कर रहे मीटिंग्स में, रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं काफी। आप देख रहे हो कि नंबर कम है काफी, उसका रीजन कुछ और है, सर ने बताया था आपको, ताकि लिमिटेड ऑडियंस आए ताकि शिद्दत से आपको बता सके। सत्या थैंक यू। आज की सेशन में आज सिर्फ हम एक एस्पेक्ट को समझ पाए कि कैसे बच्चों को करियर डिसाइड करने के लिए माँ बाप क्या स्टेप लेने चाहिए। इसके अलावा जो एक्सप्लोरेशन है, जो 485 करियर हैं, उनमें से कौन कौन से अच्छे करियर हैं, कैसे बना जा सकता है, क्या पढ़ाई की जाती है उसमें, कौन कौन से इंडिया वैसे करियर हैं कि जिनको आप अपने बच्चे के लिए, अगर उसके इंटरेस्ट जो आता है, जो असेसमेंट में निकल के आता है या आपके बच्चे की जो अच्छाई है उसके हिसाब से कितने करियर उसके लिए अवेलेबल हैं, वो एक दिन और हम ले सकते हैं अगर आप सब लोग चाहें। सर मैं इसमें एक चीज और सोच रहा हूँ जो अभी भारत में न विश्व में कहीं हुआ नहीं है, हमारे पास कोई वीडियो पोर्टल नहीं है वर्ल्ड वाइड जो करियर गाइडेंस का डिटेल डिस्कशन करे। तो उसके लिए लगभग 6-7 दिन में मैं एक नया पोर्टल लॉन्च करने जा रहा हूँ जहाँ हम एक्सपर्ट को बुलाएंगे, उनसे पूछेंगे करियर में कमियाँ क्या है, अच्छाइयाँ क्या है। जब एक्सपर्ट बोलेगा ना तो लोगों को पता लगेगा कि वाकई क्या है। तो उससे बहुत लोगों को, जैसे डिजिटल मार्केटिंग है, इथिकल हैकिंग है, एक्सपर्ट को बुलाया बताओ रियलिटी क्या है इंडस्ट्री की, वो सब बताएंगे सर सच। तो वो बहुत जल्दी आने वाले हैं और उसके बहुत इफेक्ट पड़ेगा, ताकि जो करियर की जो गाइडेंस है, क्योंकि गूगल पे, फेसबुक पे, ऑनलाइन बहुत चीजें नहीं पता लगती, तो वो लोगों को मालूम करते रहे। और इसमें जितने लोग एक्सपर्ट हैं हमारे साथ जुड़े हुए सब के आप अलग अलग विषय सके, आप ही में से किसी को पकड़ लेंगे, चलिए बोलिए हमें आईआईटी का बंदा नहीं चाहिए, हमें एनआईटी का बंदा नहीं चाहिए। सब लोग बच्चे जा नहीं पाते, जब 90% बच्चे वहां जा नहीं लगते, जा नहीं पाते, हमारे लिए वो मायने नहीं रखता। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। तो आप देखिए लोग सर कमेंट, डेढ़ घंटा हुआ है, चलिए आप चाहें तो कमेंट में अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, वी हैव सम क्यूएनए सेशन 10 मिनट का सर, उसके बाद राउंड अप कर देंगे सर जी। प्लीज आस्क द क्वेरीज, वी विल रिस्पोंड सर। प्रभु जी ने कहा है टुडेस ट्रेनिंग सुपर सर, थैंक यू सर। साकेत सावंत ने थैंक्स लिखा है। प्रभु आर ने कहा है कि प्लीज शेयर दिस इवेंट रिकॉर्डिंग, जरूर हम इसी रिकॉर्डिंग शेयर करेंगे। कुछ ने रेज हैंड किया सर, प्लीज देखें किसने रेज हैंड किया, प्लीज एक बार सर।